हेलो हाय गाइस हैप्पी होली एवरीवन क्या हाल चाल कैसे हैं आप लोग आई होप आप सब अच्छे होंगे गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आज का जो हम ये सेशन प्लान कर रहे हैं बच्चों ये सेशन एक स्पेशल सेशन है बहुत स्पेशल सेशन है मैं क्यों बोल रहा हूं ये स्पेशल सेशन है बिकॉज़ इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम एफआर के केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और जितने भी आरटीपी एमटीपी में केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज आए हैं मई 24 की आरटीपी एमटीपी में वो सारे के सारे केस स्टडीज केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज को हम डिस्कस करने वाले हैं तो इसीलिए ये बहुत स्पेशल है सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करना चाहूंगा इस पर्टिकुलर सेशन में जो बच्चे लाइव देख रहे हैं और जो बच्चे बाद में ये लेक्चर देख रहे होंगे उनका भी बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले तो ये जो शीट मैंने प्रिपेयर किया ये क्या है इस शीट के अंदर एम और आर दोनों के टोटल मिला के पांच केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज़ हैं दोनों के मैंने इकट्ठे कर दिए मतलब आपके पास आर और एम भी अगर होगा तो आपको ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बट जिन बच्चों को कंपाइल करके एक ही जगह पर सब कुछ चाहिए तो मैंने वो कंपाइल करके आपको सब कुछ एक ही शीट में दे दिया है ये शीट आप सब लोग ये शीट आप सब लोग डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में से कैसे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में जब आपको लिंक दिखेगा तो आपको एक लिंक दिखेगा एफ आर बाय सी ए जयसर ऑल इन वन लिंक इसके अंदर आप जाओगे बहुत सारा कंटेंट मई 24 के लिए मैंने अवेलेबल किया है जिसमें एमसीक्यू स्टडी इसके अंदर जाओगे तो ये एमटीपी केस टीपीओ दिखेगा इसके अलावा मैंने कुछ अपने अपने मतलब वो भी मैंने इंस्टीट्यूट के ही पुराने केस स्टडी डाइजेस्ट से निकालकर कुछ कंपाइल किए हैं पर उनमें बहुत सारे मैंने चेंजेस किए हैं वो सब करके मैंने कुछ एक्स्ट्रा डाले हैं लगभग ये 45 से फिफ्टी मैंने एक्स्ट्रा डाले हुए हैं वो आप बाद में रेफर कर सकते हो ठीक है ना मैं इनके ऊपर भी सेपरेटली कोशिश करके वीडियो लाऊंगा चलिए सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से बच्चे अवेलेबल हैं शुभम अग्रवाल मिलन गिरी गुड मॉर्निंग गाइस हैप्पी होली शिवानी सैनी निखिल सोनी अंकित हैप्पी होली गाइज गुड मॉर्निंग सुरेश अर्जुन कृतिका कृतिका जैन इस्माइल शेख वैष्णवी हैप्पी होली गाइस एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग अगर कोई और बच्चे अवेलेबल हैं चैट पर तो आ जाइए गुड मॉर्निंग गाइज गुड मॉर्निंग एवरी और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं बस आज के दिन ये सेशन इसलिए रखा था कि सुबह सुबह ही हम एटलीस्ट थोड़ा सा तो पढ़ाई निपटा लें होली के दिन वैसे भी पढ़ाई ज्यादा होती नहीं है मैं मानता हूं तुम सीए फाइनल वाले बच्चे हो कहीं ना कहीं से पढ़ाई तो कर ही लोगे बट थोड़ा डिस्टरबेंस तो होता है तो सुबह सुबह के टाइम पर अगर हम ये केस स्टडीज कर लेंगे ना तो थोड़ा सा ना गिल्ट फील नहीं होगा लगेगा हाँ चलो ठीक है सुबह सुबह हमने कुछ तो पढ़ लिया था का तो गिल्ट ना हो इस वजह से मैंने अभी ये सेशन रखा है कोशिश करेंगे कि हम 90 मिनट्स या मैक्सिमम दो घंटे के अंदर हम इसको कवर कर लें ठीक है चलिए और बच्चे भी आ गए साक्षी टीना गीत गीता गुड मॉर्निंग गाइस निखिल रवि अमान प्राजक्ता गुड मॉर्निंग एवरीवन चलिए शुरू करें बच्चों सबके पास ही अवेलेबल है चलिए बस अभी ना मुद्दे की बात क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूं फालतू बातें करके मेरा टाइम इंपॉर्टेंट ये है यहां पर, यहां पर पर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि टोटल मिला के पांच केस स्टडीज हैं दो आर की है और तीन एम टी पी की है और इसके अलावा कुछ दो तीन जनरल एमसीक्यूज क्यूज है नॉर्मल सिंगल सिंगल एमसीक्यूज क्यूज है हमें इनको कंप्लीट करना है इस सेशन में जल्द से जल्द हमें है ना इनको कंप्लीट करना है तो ये शीट आपके पास अवेलेबल है मैं मान के चल रहा हूं या तो ये शीट अवेलेबल है या तो आपके पास आरटीपी एम टी का है फिर अगला केस सिनेरियो एम टी का है फिर उसके अगला भी एम टी का है ठीक है ना स्टार्टिंग के तीन केसरियो एम टी के हैं उसके बाद आर टी का केस सिनेरियो है और फिर एक और आर टी का केस सिनेरियो है उसके बाद कुछ आपको मैं दिखा देता हूं उसके बाद कुछ जनरल एमसीक्यूज़ हैं है कितने हैं एक दो दो ही जनरल एमसीक्यूज़ हैं है जो कि शायद एम में पूछे गए थे ठीक है वाई ट्वेंटी फोर में तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विथ सिनेरियोस ऑफ आरटीपी अब आरटीपी के केस सिनेरियोस के लिए आपको केस सिनेरियो नंबर फोर मतलब मैं पहले आरटीपी के केस सिनेरियोस से शुरू करूंगा पहले आरटीपी आई थी ना एम टीपी आई थी तो मैं आर के सिनेरियो से शुरू करूंगा और MTP, फिर अपन बीच में जितना जल्दी, जल्दी मुझे लाइव स्टूडेंट्स जवाब दोगे तो उतना जल्दी जल्दी हम केस स्टडीज को अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दू में आपको एक कॉमन चीज दिखेगी हर सिनेरियो के अंदर आपको कॉमन चीज दिखेगी क्या जब ये लोग केस ियो पूछ रहे हैं ना तो एमसीक्यू पूछने से पहले ये लोग क्या लिख रहे हैं ध्यान से इनकी लाइन देखिए ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स गिवन चूज द मोस्ट आंसर ये वर्डिंग पर ध्यान देना मोस्ट गिंग्रोप्रियट चाहे कोई भी केस सिनेरियो हो मैक्सिमम केस सिनेरियो में वो यही देखो लिख रहे हैं चूज द मोस्ट अप्रोप्रियट आंसर ये हो गया ये वाला हो गया एक और केस सिनेरियो में देख लेते हैं कहा लिखा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऐसा क्यों लिख रहे हैं आपको अभी रियलाइज होगा जब हम ये केस सिनेरियो पढ़ेंगे और जब हम ऑप्शंस देखेंगे ना किसी किसी जगह पर तो आपको लगेगा यार ऑप्शन ये ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है इसीलिए उन्होंने लिखा है मोस्ट उन्होंने करेक्ट ऑप्शन नहीं लिखा है उन्होंने लिखा है मोस्ट अप्रोप्रियट कौन सा है हाँ ये ध्यान रखना है आपको भाई इंस्टीट्यूट भी देखो शब्दों को ना सोच समझ कर लिख रहा है चलो कोई नहीं चलिए शुरू करेगा इस चलो 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 शुरू करते हैं आनंद स्वाति द्रक्षना गुड मॉर्निंग चलिए तो गाइज चलिए एक बार प्लीज थम्स अप कर लो मेरे साथ और मुझे बताओ अब स्टार्टिंग से अपन बात करेंगे और अगर आपके हाथ में कैलकुलेटर है तो ज्यादा अच्छा है पेन पेपर कैलकुलेटर ये सब होना चाहिए थोड़ा थोड़ा रफ में वर्क रफ वर्क करना पड़ेगा एफ ए इज अं ए लिमिटेड इज अ कंपनी पार्ट्स And engines sales them to the large multinational companies like Boeing and Airbus. The following are the details of some of the transactions entered into by the company. सम ऑफ द ट्रांजेक्शन इंटर्ड इंटू बाय द कंपनी कुछ ट्रांजेक्शन किए हैं पहला क्या ट्रांजेक्शन किया है फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेल्व कंपनी बिगेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्शन लाइन इन द इन इट्स एयरक्राफ्ट पार्ट मैन्युफैक्चरिंग शेड कुछ कंस्ट्रक्शन किया है कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की है प्रोडक्शन लाइन मतलब फैक्ट्री का फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन किया है इन इट्स एयरक्राफ्ट जहां पर फैक्ट्री में एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनते हैं मैनुफैक्चरिंग शेड वगैरह वो कंस्ट्रक्शन किया है क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया है कॉस्ट ऑफ द बेसिक मटेरियल रिकवरेबल गुड्स एंड सर्विस इंकर्ड बट नॉट इंक्लूडेड इन परेज कॉस्ट इंप्लाई बेफिट कॉस्ट अदर ओवर इट डायरेक्टली एट्रीब्यूटल टू कंस्ट्रक्शन पेमेंट दस एक्सपेक्टेडलिंग समझ में आ रहा है कि यह पर्टिकुलर पॉइंट आपका इंडिया सिक्सटीन के रेस्पेक्ट में है पीपी के रेस्पेक्ट में है। बहुत सारा बड़ा सारा केस है होता क्या है कभी कभार ना हमें शॉर्टकट फॉलो करना चाहिए अब शॉर्टकट फॉलो करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली एमसी क्यू पर देख लेते हैं कि यार वो कौन कौन से रिस्पेक्ट में एमसी क्यू पूछ रहे हैं जैसे विच ऑफ कैपिटलाइज इन इनमें से कौन कौन से ऑप्शन तो मतलब दे दे देखें तो वो बोल रहा है, कि जो ये line, आ, कर रहा है तो कौन कौन से आइटम कैपिटलाइज होंगे एबनॉर्मल देख के ही समझ में आ रहा है बिल्कुल कैपिटलाइज नहीं होगा रिकवरेबल जीएसटी जीएसटी अगर रिकवरेबल होता है तो आपका वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होता है तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है ये ऑप्शन सही नहीं है फिर उसके बाद इनिशियल एस्टिमेट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग द आइटम एंड रिस्टोरेशन ऑफ साइट ऑफ टू लैख या फिर इनिशियल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग द आइटम एंड रिस्टोरेशन इज वन पॉइंट थ्री सिक्स लैख है तो दोनों में से कोई एक अब डिसमेंटलिंग तो कैपिटलाइज होता है पर कौन सा वाला होगा वो चेक कर लेते हैं कौन सा वाला होगा वो चेक कर लेते हैं तो यहां पर बोल रहा है एक्सपेक्टेड डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन कॉस्ट 2 ,00 ,00 का है आपको पता होगा इंडिया प्रेजेंट वैल्यू पर तो एक बार चेक कर लेते हैं है क्या द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वन पेबल इन एट ईयर एट अ डिस्काउंट रेट ऑफ फाइव परसेंट इज अप्रोक्सीमेटली पॉइंट सिक्स एट तो अगर आप दो लाख को मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट सिक्स एट से तो यह आ जाएगा आपका

और सीधा एमसीक्यू देख ले क्योंकि समझ में आ गया शुरू के दो ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होंगे चाहे मैं केस पढ़ू चाहे नहीं पढ़ू ठीक है ऑपरेशन मतलब ये क्वेश्चन उन्होंने इंड एस सेवन से पूछ लिया अब हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन की बात कर रहा है और कंपनी की कोई एसोसिएट कंपनी फ्लाइनेट हमारी कंपनी का नाम क्या है हमारी कंपनी का नाम है एफ ए लिमिटेड अब वो कैश फ्लो के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो कैश फ्लो के रिस्पेक्ट में अगर वो पूछ रहा है तो कैश फ्लो वाला पॉइंट कौन सा होगा कंसल्टेंसी सर्विस दे रहा है एफ ए लिमिटेड हैज एसोसिएट कंपनी आ गया ये रहा थर्ड नंबर पॉइंट है तो आपको ना अब मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं अप्रोच क्या है हल्का हल्का क्वेश्चन पढ़ो एमसीक्यू पे आ जाओ एमसीक्यू पे आके आइडेंटिफाई करो यार ये पर, ये जो एमसीक्यू ये किस पैराग्राफ से रिलेटेड होगा अब आपको ये एक बार में नहीं समझेगा आप जब पांच दस पंद्रह ऐसे सिनेरियोस पढ़ लोगे तो आप प्रो हो जाओगे प्रो आपको आपका टाइम सेव हो जाएगा और यही तो अपने को एग्जाम में करना है हमें थर्टी मार्क्स एग्जाम में अटेम्प्ट करना है कोशिश करके किसी भी तरीके से ट्वेंटी मिनट्स के अंदर हाँ जी बिल्कुल ट्वेंटी से ट्वेंटी फाइव मिनट्स के अंदर ठीक है चलिए तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बोल रहा है चलिए जल्दी कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन ऑफ द फ्लाईनेट लिमिटेड फॉर दर हंड्रेड थर्टी फर्स्ट मार्च अब भाई इस कंपनी के ये सब आइटम्स आपको दिए, आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बोल रहा है कितना है तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जब हम निकालते हैं इनडायरेक्ट मैथड से मैं इनडायरेक्ट मैथड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इन्होंने नेट प्रॉफिट दिया हुआ है

ठीक है ना ये भी वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट है हमें माइनस करना पड़ेगा टेन फिर इंक्रीज इन अकाउंट पेबल बेटा ये भी वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा अकाउंट पेबल मतलब क्रेटर क्रेडर बढ़ेंगे तो एड करना पड़ेगा ठीक है ना डिक्रीज इन वेजेस पेबल वेजेस पेबल भी आपका वर्किंग कैपिटल में आएगा बिकॉज करंट लाइब्रिटी है और डिक्रीज हो रहा है कम हो रहा है मतलब माइनस करना पड़ेगा अगर आपको ये पता नहीं है कि वर्किंग कैपिटल के बढ़ने गिरने पर क्या क्या करना पड़ता है current asset, current के क्योंकि यहां पर एमसीक्यू में भैया हमें लॉजिक सोचना नहीं है हमें पहले ही पता होना चाहिए प्लस कब होना, होना है ठीक है टैक्स चार्ज फॉर ईयर डेफर टैक्स लाइब्रिटी बेटा नॉन कैश है. है ये टैक्स चार्ज फॉर ईयर डेफाटेस लाइब्रिटी डी बनाया होगा पी एंडल से तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीएल तो ये तो नॉन कैश हो गया ये भी हमें एड करना पड़ेगा बेटा ये तो एक्टिविटी का है ऑपरेशन में क्या कर रहा है और profit को उन्होंने net profit में डाल दिया होगा तो माइनस करो दो चलिए बताइए इन सबका क्या आ रहा है 120 ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी फाइव माइनस टेन प्लस सेवन माइनस फाइव प्लस फिफ्टीन माइनस टू ये आ गया 170 तो 170 170 आ गया मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 170 माई कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी शुड भी वन सेवेंटी टू इट्स वन सेवनटी निखिल निखिल इट शुड बी वन सेवेंटी वन सेवन टू ऑप्शन ही नहीं, नहीं है बेटा ध्यान से ठीक है चलिए अब वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट प्लस कब होता है माइनस कब होता है प्लीज इसको पढ़ के रखना अब तुम्हें इससे रियलाइज हो जाएगा कि यार केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू जरूरी क्यों है और उनमें कौन कौन से इंडियास आ रहे हैं और वो कहीं से भी पूछ सकते हैं तो तुम्हें ये रिलाइज हो जाएगा कि यार कौन कौन से इंडिया तुम्हें ढंग से नहीं आते हैं ठीक है गाइस अभी तक समझ में आ रहा है सबको चलिए अब हम तीसरा एमसीक्यू पढ़ लेते हैं उसके बेसिस पर देखते हैं कि भाई वो किस इंडियास का और कौन सा पैराग्राफ लगेगा वैसे तो देखो फर्स्ट पैराग्राफ तो हमने कर लिया थर्ड पैराग्राफ भी हमने कर लिया अभी हमारा सेकेंड पैराग्राफ बचा हुआ है मोटा मोटी ठीक है चलिए देखते हैं च अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शुड बी डन इन एफ ए लिमिटेड बुक्स फॉर द इयर इंडेड मार्च टू थाउजेंड थर्टीन एज द कस्टमर हैजेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द कंपनी कोई लीगल एक्शन लिया गया कंपनी के अगेंस्ट तो कंपनी के अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया गया है, तो एक ये वाला पैराग्राफ पढ़ ही लेते हैं क्योंकि लास्ट पैराग्राफ बचा हुआ है चलो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर

कि क्लेम को डिफेंड किया जा सकता है डिफेंड मतलब बचा जा सकता है मतलब सेवेंटी फाइव कितना उलझा रहा है तो मैं पता है मैंने क्या गलती की थी प्राइमरी फर्स्ट पॉइंट पर जब मैंने फर्स्ट ये केस पढ़ा था ना मैंने बोला पच्चीस परसेंट है हारने के मैंने ऐसा बोल दिया गलती से पच्चीस परसेंट चांस है हारने के मैंने डिफेंडेड वर्ड को गलत ले लिया मतलब होता है प्राइमाफेजी पच्चीस परसेंट लिखा है तो हारने के चांसेस लिखे थे ऐसा मैंने मान लिया पर पच्चीस परसेंट बचने के चांसेस बोल रहा है बचेंगे उसके पच्चीस परसेंट चांस है मतलब सेवेंटी फाइव परसेंट चांसेस है कि हारेंगे और जहां फिफ्टी परसेंट से ऊपर चांसेस हो तो हमें प्रोविजन बनाना पड़ता है द लीगल डिपार्टमेंट फर्दर स्टेटेड दट दे आर रीजनेबली कॉन्फिडेंट द कंपनी इज कवर्ड बाय द इंश्योरेंस अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ लॉस कंपनी को इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा कितना मिलेगा बताया नहीं है अकाउंटेंट फील्स नथिंग नीड टू बी प्रोवाइडेड एज द क्लेम कंपनी कवर अगेंस्ट एनी पॉसिबल पहली बात तो अकाउंटेंट गलत है सेवेंटी फाइव परसेंट चांसेस है कि हमें बनाना पड़ेगा प्रोविजन अब अगर तुम ढंग से इसका डिस्क्रिप्टिव लिखोगे ना तो इसका आंसर होना चाहिए वन सिक्सटी का ट्वेंटी सेवेंटी uh, फाइव परसेंट प्रोविजन शुड बी वन सिक्सटी का सेवेंटी फाइव परसेंट एज ऑन मार्च अगर मैं बाकी चीजों को कॉन्स्टेंट रखूं तो वन सिक्स का सेवेंटी फाइव परसेंट होना चाहिए हम इंश्योरेंस क्लेम को भी इंश्योरेंस क्लेम तो. के बारे में अगर इंश्योरेंस क्लेम से मिलेगा उसके चांसेस वर्चुअली सर्टेन है तो जाके हम उसकी एक सेपरेट असेट बना सकते हैं अलग है अब चेक करते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा एज द कस्टमर द लीगल एक्शन

सेवेंटी फाइव परसेंट होना चाहिए डिस्क्रिप्टिव आंसर मैंने आपको बोला था पर इन्होंने क्या लिखा है मोस्ट अप्रोप्रिएट इसको होल्ड करके रखते हैं इस question को, इस क्वेश्चन को को ऑप्शन आगे चलते हैं प्रोविजन ऑफ पॉइंट फोर लैक्स एज द बेस्ट पॉसिबल आउटकम शुड बी रिकॉग्नाइज मैंने मैंने आपको बोला ना प्राइमरी फर्स्ट में मैंने इस क्वेश्चन को गलत लिया था मैंने माना था कि ट्वेंटी फाइव परसेंट ही चांसेस है कि हारने के तो इसलिए मुझे लगा था कि हाँ यार ट्वेंटी तो होगा जबकि गलत है तो पॉइंट फोर बिल्कुल नहीं होगा

उसमें क्या होगा आपने बैलेंस शीट डेट पे तो 75 परसेंट के हिसाब से बना लिया पर मान लो फाइनल जजमेंट बैलेंस शीट डेट के बाद आया बट अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले आ गया और आप सचमुच में हार गए और 1.6 का आपके ऊपर कॉम्पनसेशन फाइनल हो गया फिर आप उसको एडजस्टिंग इवेंट मानते हुए बाकी का भी प्रोविजन बना लोगे ये मैं डिस्क्रिप्टिव बेसिस की बात कर रहा हूं पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज बी वन आप सबको समझ में आ रहा है मैं क्यों बोल रहा हूं मोस्ट अप्रोप्रिएट क्योंकि इससे भी बेटर ऑप्शन क्या होना चाहिए था 1.6 का 75 परसेंट अगर वो एक और चॉइस देता कि 1.6 या फिर 1.6 का 75 तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर शुड भी वन पॉइंट वन पॉइंट सिक्स का सेवेंटी फाइव परसेंट मतलब वन पॉइंट टू समझ में आ गया कि नहीं चलिए हाँ भाई ये हो गया अब अगला पढ़ते यार केसेस तो पूरा हो गया

पी एंड एल का चार्ज कितना हुआ पी एंड एल चार्ज कितना हुआ और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग डीकमिशनिंग कॉस्ट कितना है ठीक है ना मतलब वो एक एक बैलेंस शीट फिगर फिगर पूछ पूछ रहा 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 है 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 और पी एंड एल वाला किस रिस्पेक्ट में बोल रहा है? वही प्रोडक्शन लाइन का कंस्ट्रक्शन मतलब वही वापस मेन बड़ा केस आ गया ठीक है अब इसमें आपको शॉर्टकट क्या करना है आपको शॉर्टकट क्या करना चाहिए अगर आप पी एंड एल का बैलेंस निकालने बैठ गए तो बहुत सारी चीजें पता है खानी चाहिए क्योंकि प्रोडक्शन लाइन है तो पीएनएल क्या क्या जाएगा मैं आपको बता देता हूं ऐसे तो तो एक तो, आपका इसमें प्रोडक्शन लाइन टू टू मंथ रेडी फॉर यू दो महीने लगे प्रोडक्शन लाइन को बनने में और आपने इधर कॉस्ट दिया है तीन महीने का तो एक महीने का आपका कॉस्ट चला इंप्लॉयेगा पीएडल में जाएगा कि नहीं फिर आ, उसके बाद अदर ओवर इनकर्ड ड्यूरिंग द टू मंथ पीरियड दे इंक्लूडेड एबनॉर्मलॉर्मल कॉस्ट पॉइंट थ्री ये आपका पीएनडल में चला जाएगा तो अगर आप पी पियडल पियडल निकालना गए तो डेप्रिसिएशन आपको निकालना पड़ेगा बहुत सारी चीजें और उसी प्रोविजन का आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा इससे बेटर यह है कि आप पी पीएंडल का चार्ज मत निकालो आप प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग कॉस्ट पहले निकालो और देखो कि वो वाला आपका कहां फॉल हो रहा है ठीक है वो वाला आपका कहां फॉलो रहा है आपको वो थर्टी फर्स्ट मार्च थर्टीन में बोल रहा है प्रोविजन का बैलेंस कितना होगा आपने प्रोडक्शन लाइन शुरू कब किया था आपने प्रोडक्शन लाइन शुरू कब किया था आपने प्रोडक्शन लाइन शुरू किया था फर्स्ट अप्रैल ट्वेल्व को फर्स्ट अप्रिल्व को प्रोडक्शन लाइन शुरू किया था और आपने इनिशियल रिकॉग्निशन प्रोविजन का किया था का तो मुझे बताओ अगर इनिशियल रिकॉग्निशन रिकॉन्शन का किया था तो उसके हिसाब से फर्स्ट ईयर का आपका इंटरेस्ट लगेगा फाइव परसेंट का तो सीधा सीधा वन पॉइंट थ्री सिक्स पर फाइव परसेंट एड कर दो वन पॉइंट थ्री सिक्स पर पांच परसेंट एड कर दो ठीक है तो मैं क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि प्रोविजन आपको पहले निकालना चाहिए आप इसको कैसे निकालोगे वन पॉइंट थ्री सिक्स ये आपका इनिशियल था इनिशियल रिकॉग्निशन था इसमें प्लस करो फाइव परसेंट का इंटरेस्ट तो यह हो जाएगा आपका वन पॉइंट फोर टू एट यह आपका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए थर्टी फर्स्ट मार्च का थर्टीन का वन पॉइंट अब चेक करो ऑप्शन में कि वन पॉइंट फोर टू कहां आ रहा है वन पॉइंट फोर टू कहां आ रहा है और पहले वो क्या बोल रहा था पहले वो पी एंड एल चार्ज बोल रहा था फिर बाद में वो बैलेंस प्रोविजन का बैलेंस बोल रहा है ये भी समझदार है साले देखो इन्होंने 1.42 भी दो जगह दिया है पर हमें साइमल्टेनियसली चलना है उन्होंने पहले पीएनएल की बातें की हैं और फिर डिसमेंटलिंग मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ऑप्शन सी होना चाहिए ऑप्शन सी होना चाहिए अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं 1.42 ऑप्शन सी होना चाहिए पर अब देखो अब मैं पीएनएल चार्ज पे भी एक बार बात कर लेता हूं आपसे कि यार वाकई में एक बार हम सेटिस्फाई हो जाएं कि 1.76 आरआई की नहीं अब इसमें हो सकता है थोड़ी सी तकलीफों का सामना करना पड़े तुम्हें बता दूंगा क्या तकलीफों का सामना मैं भी बता दूंगा मुझे ऐसा मेर, मेरा पर्सनल ये है कि उन्होंने कहीं कहीं किसी किसी एमसीक्यू के अंदर उन्होंने कुछ आंसर में गड़बड़ किया है थोड़ा सा, थोड़ा सा है कुछ गड़बड़ चलो वन पॉइंट सेवन सिक्स ठीक है ना शुभम कह रहा है सर यही मिस हो जाता है डेट नहीं देखी यही तो बात है ना भाई डेट और ये सब पढ़ना कितना अब देखो कितना जरूरी है कितना चाला के इंस्टीट्यूट पहले पी एंड एल लिखा बाद में प्रोविजन लिखा पर उन्होंने दो ऑप्शन दे दिए जहां प्रोविजन को उन्होंने मैच कर दिया एक में उन्होंने प्रोविजन को पहले लिख दिया और दूसरे में उन्होंने प्रोविजन बात कर दिया कितना चालाकी हो गई और एक में उन्होंने वन भी लिख दिया है ना मतलब यहां पर बच्चे की नॉलेज के साथ साथ उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जा रहा है ठीक है चलो एनी ठीक है चलता है ये तो ठीक है यार कोई बात नहीं अब 1.76 पॉइंट सेवन का चार्ज कैसे निकालू यार मैं तो यार मुझे ना उसके लिए ना एक एक पूरा पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना पड़ेगा तो चलो पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ लेते हैं भाई तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ बेसिक मटेरियल प्राइस आपका 1.25 पॉइंट टू फाइ ले ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट है, है। इसमें से कुछ भी पीएमडल में नहीं जाएगा रिकवरेबल जीएसटी ये तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो ये असेट हो जाएगी आपका छोड़ दो इंप्लॉय कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन फॉर द थ्री मंथ्स आपका थ्री मंथ्स का 1.2 है जबकि आपको प्रोडक्शन लाइन को बनने में कितना टाइम लगा दो महीने लगे तो बेटा वन पॉइंट टू डिवाइड बाई थ्री इंटू वन तो ये आपका इंप्लॉय कॉस्ट का आ गया इंप्लॉय कॉस्ट का आ गया पॉइंट फोर पीएनडल का ठीक है फिर उसके बाद क् रिलेड टू कंस्ट्रक्शन ठीक है पेमेंट टू द एक्सटर्नल एडवाइजर ठीक है डिसमेंटलिंग ठीक है प्रोडक्शन लाइन टुक टू मंथ्स टू मेक रेडी फॉर यूज एंड थर्टी फर्स्ट मे भाई थर्टी फर्स्ट मे तक प्रोडक्शन लाइन बन भी गई फर्स्ट अप्रैल को शुरू किया थर्टी फर्स्ट मे तक बन गई दो महीने काम चलाड्सिंग द टू मंथ पीरियड एंडेड थर्टी फर्स्ट में जो ऊपर के अदर ओवर है ये वैसे भी दो मंथ के हैं पर ये तीन मंथ के इसलिए हमने इंप्लॉय कॉस्ट को महीना निकाला पर अदर का हम महीना अलग से नहीं निकाल सकते फिर दे इंक्लूडेड एब्नॉर्मल कॉस्ट ऑफ पॉइंट पर पॉइंट थ्री का एबनॉर्मल तो पेंडल में जाएगा प्रोडक्शन लाइन इज एक्सपेक्टेड टू है यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ आफ्टर एट ईयर एफ इज लीगली रिक्वायर्ड टू डिसमेंटल प्लांट

इंटरेस्ट ऑन प्रोविजन ठीक है अब अपन एक और डेप्रीसी की बात कर लेते हैं क्योंकि वो बोल रहा है कि जो प्रोडक्शन लाइन है जो प्रोडक्शन लाइन है वो आठ साल का आठ साल का है फोर इयर्स आफ्टर बीइंग इन इनटू यूज द प्रोडक्शन लाइन विल रिक्वायर अ मेजर ओवरहॉल टू इंश्योर दैट इट जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर द सेकंड हाफ ऑफ द यूजफुल लाइफ द एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ द ओवरहॉल एट द करंट प्राइस इज थ्री लैख नो इंपेयरमेंट ऑफ द प्लांट अरे यार सला अब पता है क्या करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन भी तो जाएगा

कैपिटलाइज़ नहीं होगा इंप्लॉई कॉस्ट कितनी हो जाएगी 1.2 पॉइंट टू डिवाइडेड बाई थ्री में से इंटू टू मतलब आपका इंप्लॉय कॉस्ट पॉइंट एट आ जाएगा ठीक है ओवरहेड्स पॉइंट नाइन में से पॉइंट थ्री गया पॉइंट नाइन में से पॉइंट थ्री गया तो पॉइंट सिक्स आ जाएगा ओवरहेड्स क्योंकि एबनॉर्मल लॉस आपका वो है एक्शन एडवाइजर पांच का आएगा एडवाइजर पॉइंट फाइव एक्सपर्ट वन पॉइंट थ्री सिक्स आपका प्रोविजन डिसमेंटलिंग वन पॉइंट थ्री सिक्स ही हो जाएगा ठीक है और क्या बस बस एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ द ओवरऑल एट द करंट प्राइस इज थ्री लाख वो तो ठीक है अब मुझे बताओ इसका टोटल कितना है टेन प्लस पॉइंट एट प्लस पॉइंट सिक्स प्लस पॉइंट फाइव और 1.36 कुल मिला के थर्टीन पॉइंट टू सिक्स द हमारा कैपिटलाइजेशन हो गया थर्टीन पॉइंट टू सिक्स पॉइंट टू सिक्स थर्टीन पॉइंट टू सिक्स टू सिक्स थर्टीन पॉइंट टू सिक्स क्या पूछ रहा है अगला वाला एमसीक्यू क्या पूछ रहा है कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन लाइन टू बी कैपिटलाइज इनिशियली ऑन थर्टी फर्स्ट मे बाई थर्टीन पॉइंट टू सिक्स आंसर इज ए अब आपको अगर कैपिटलाइजेशन थर्टीन पॉइंट टू सिक्स कॉस्ट मिल गया तो अब आप उसका डेप्रीसिएशन कैसे निकालोगे थर्टीन पॉइंट टू सिक्स इसके दो कॉम्पोनेंट कॉम्पोनेंट वन कॉम्पोनेंट टू क्योंकि कॉम्पोनेंट वन जो है वो ओवरहॉलिंग का बता रहा है कि एक जो प्रोडक्शन लाइन है वो रिक्वायर है मेजर ओवरहॉल और उसकी आज करंट प्राइस है तीन लाख की तो आपका कॉम्पोनेंट वन हो जाएगा थ्री लैक्स और बाकी हो जाएगा टेन पॉइंट टू सिक्स हो जाएगा कि नहीं ठीक है और इसकी कॉस्ट कितनी है कॉम्पोनेंट वन की उसकी कॉस्ट है आपकी चार साल की और अदर कॉम्पोनेंट की है आठ साल की तो फोर इयर्स एट इयर्स अब इसका डेप्रिसिएशन लगाओ तो थ्री लाख डिवाइडेड बाय फोर इयर्स तो वर्स्ट वन ईयर का आएगा पॉइंट सेवन फाइव पर हमें करंट ईयर में वन ईयर का नहीं लगाना है टेन मंथ्स का लगाना है क्योंकि आपकी प्रोडक्शन लाइन इकतीस मई को कंप्लीट हुई है प्रोडक्शन लाइन आपकी थर्टी फर्स्ट मे को कंप्लीट हुई है तो इसका मतलब आपका दस महीने का लगेगा इन टू टेन का, depreciation आप, आपका आएगा. 10 months का depreciation आएगा, इसका लगाओ टेन पॉइंट टू सिक्स का टेन पॉइंट टू सिक्स डिवाइडेड बाई एट ईयर एट ईयर इंटू टेन डिवाइडेड बाई 12 तो यह आ जाएगा टेन मंथस का डेप्रिसिएशन वन पॉइंट जीरो सिक्स नाइन कर देता हूं राउंड ऑफ में तो वन पॉइंट जीरो सिक्स नाइन प्लस पॉइंट सिक्स टू फाइव ये डेप्रीसी आपका आ गया जो कि मैं यहां लिखूंगा डेप्रीसेशन आ गया आपका वन पॉइंट सिक्स नाइन फोर अब इनको सबको प्लस करो पॉइंट फोर पॉइंट थ्री पॉइंट जीरो सिक्स एट और वन पॉइंट सिक्स नाइन फोर यह आ जाएगा टू पॉइंट फोर सिक्स ये डेप्रीथेशन आ जाएगा टू पॉइंट फोर सिक्स डेप्रेशन लगभग लगभग 2.46 अब आप यहां पर ऑप्शन चेक करो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा सत्यानाश कर दिया इंस्टीट्यूट ने हमारे टाइम को अब एक बात बताओ क्या इंप्लॉई कॉस्ट एक महीने की पेंडल में नहीं जाएगी बिल्कुल जाएगी एबनॉर्मल लॉस पेंडल में नहीं जाएगी बिल्कुल जाएगी इंटरेस्ट का पेंडल में नहीं जाएगा बिल्कुल जाएगा डेप्रेशन अगर चलो ठीक है हमने गलत निकाला हो पहली बात तो हमने गलत क्यों कैसे निकाला थर्टीन पॉइंट टू सिक्स हमारा ऑप्शन सही है थर्टीन पॉइंट टू सिक्स हमारा कैपिटलाइजेशन सही है उस पर कॉम्पोनेंट वन तीन लाख का है ओवरहॉलिंग जिसकी एस्टिमेटेड लाइफ चार साल है तो चार साल के हिसाब से डेपरेशन दस महीने का निकलेगा करंट ईयर का और इसका आठ साल है उसका दस महीने का निकलेगा भाई साहब इन्होंने क्या कर दिया यार हमारे साथ इसीलिए मैंने आपको बोला कि पहले आप प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग निकालो और मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढ लो अब देखो इन एग्जाम में बैठे हुए हमें फालतू का दिमाग नहीं चलाना है अरे ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया हमें ना ये अमाउंट की उल्टी वर्किंग करके नहीं निकालनी है बेवकूफ मत होना है यहां पर बेवकूफी मत करना अरे 1.7 आ रहा है तो कैसे आ रहा होगा 1.42 कैसे आ रहा होगा 1.76 कैसे आ रहा होगा भाई मेरा ये ऑप्शन मैच हो रहा है ना बात खत्म आगे बढ़ मैं इसको सी टिक लगा रहा हूं बात खत्म मैं इसको सी टिक लगा रहा हूं बात खत्म हाँ सही बोल रहे हो इंटरेस्ट भी कायदे से इंटरेस्ट भी कायदे से 10 दस परसेंट होगा दस महीने का होगा तो भी तुम्हारा के आसपास ही आएगा लगाओ ठीक है टेन मंथ्स का इंटरेस्ट मैं मैं यहां पर मैंने गलती हो मेरी गलती हो गई टेन मंथ्स का अगर इंटरेस्ट लगाओगे तो भी बताओ वन पॉइंट थ्री सिक्स इंटू पांच परसेंट इंटू टेन बाइ ट्वेल्व तो भी कितना आ रहा है यार पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो फाइव सिक्स सेवन करो ना वन प्लस पॉइंट जीरो तो भी आपका 1.416 आ रहा है तो 1.42 टू तो हुआ ना कितना डिफरेंस आ गया चलो इंटरेस्ट में तुम्हारा चलो कितना डिफरेंस आ गया बोलो 0.0567 कितना डिफरेंस आ गया फिर भी टू से ऊपर ही रहेगा ना ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा हमारा टू से ऊपर स लाइक इंसिटूड डू नॉट कंसिडर इंप्लॉई कॉस्ट मैं क्या बोलता क्यों चलाये दिमाग अभी? यार करो ना यार वन पॉइंट फोर टू वन पॉइंट फोर टू उन्होंने तीन तीन जगह दे दिया हमें क्या मतलब हमारा तो वन पॉइंट फोर टू यहां होना चाहिए सी चलिए अब हमने कौन कौन सा टिकट लगाया इट वॉज डी बी डी बी बी ये बी है बेटा मैंने बी टिक लगाया है ठीक है डी बी बी सी ए चेक करते हैं डी बी बी सी ए डी बी बी सी ए डन तो मोरल ऑफ द स्टोरी मैं आपको क्या कहता कि इस तरीके से आपको चलना पड़ेगा अब आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि हाँ यार केस सिनेरियोस का इंपॉर्टेंस क्या है और हमें क्या स्पीड और क्या दिमाग मेंटेन करना है ये एक केस सिनेरियो से नहीं समझ में आएगा जब ऐसे मल्टीपल केस सिनेरियोस करोगे बहुत सारे शायद पांच में कुछ लोग समझ लें कुछ लोगों को हो सकता है अप्रोच सात आठ में समझ में आ जाए कुछ लोगों को यह अप्रोच दस पंद्रह में समझ में आ जाए पर मैं आपको बता रहा हूं ऐसी अप्रोच रखोगे तो एग्जाम में टाइम सेव होगा अगर एग्जाम में तुम्हें अपने पंद्रह मिनट सेव करने हैं पंद्रह से बीस मिनट तो मैं आपको कह रहा हूं केस सिनेरियोस पर ध्यान दीजिए चलिए बड़, बड़े बड़े बेटा आगे करें। तो केस सिनेरियो नंबर फोर आरटीपी मे ट्वेंटी फोर का डन हो गया कुछ तो रिप्लाई करो नालायकों कुछ तो रिप्लाई करो रे आगे बढ़ू आरटीपी की नेक्स्ट केस सिनेरियो चले केस में बाकी सब लोग के बच्चे कहा बच्चे बच्चों तुम लोगों ने ये वीडियो लाइक किया है ना बच्चों ये वीडियो तुम लोगों ने लाइक किया है ना वीडियो को लाइक किया है ना प्लीज चलो क्या होता है ना लाइक करने के बाद पता है मैंने सुना है ऐसा मैंने सुना है लाइक करने के बाद क्या है ना पेपर ना टाइम पे कंप्लीट हो जाता है हाँ और सब कुछ समझ में आने लगता है तो लाइक करोगे ना तो पेपर तुम्हारा टाइम पे भी कंप्लीट होगा हंड्रेड मार्क्स का भी अटेम्प्ट होगा शायद पांच दस मार्क्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं मेरे को ऐसा ऐसा सुनने में आता है इंस्टीट्यूट बोलता है सर इंस्टीट्यूट का नाम मतलब हम फिर आपका लेक्चर को ले, डिसलाइक कर देंगे सर चलो आ जाओ सेकेंड आर टी पी मे ट्वेंटी ट्वें फोर ट्वें ट्वें आरटीपी मे ट्वेंटी फोर केस सीनैरियो आर टीपी मे ट्वेंटी फोर केस सीनैरियो नेक्स्ट आरटीपी के कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुभम अग्रवाल इन जून ट्वेंटी फोर वेरी गुड बेटा कंपनी ड्यूरिंग द ईयर एच एस एल है ट्रांजेक्शन डिटेल्स ऑफ विच आर एस के प्लीज थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए आप बस 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 क्वेश्चन पर ध्यान दो क्वेश्चन पर ध्यान दो चेतन भाई ठीक है कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मेनी ट्रांजेक्शन में इंटर हुए हैं ठीक है ईयर बताया नहीं है विद इंटेंशन टू एक्सपांड एचएसएलटर्ड इंटू शेयर परचेज एग्रीमेंट विद शेयर होल्डर्स ऑफ एफ एम लिमिटेड एफ एम लिमिटेड के शेयर होल्डर के साथ टू परचेज थर्टी परसेंट स्टेक इन एफ एम हमारी कंपनी का नाम है एचएसएल और हम एफ एम लिमिटेड के शेयर परचेज कर रहे हैं थर्टी परसेंट स्टे के तो एसोसिएट हो गया फर्स्ट जून फर्स्ट जून को परचेज किया प्राइस ऑफ थर्टी एज पर दर्म्स ऑफ पी एच एस एल ऑप्शन टू परचेज मतलब हमने शेयर वेर परचेज किया ठीक है अगला, अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं ड्यूरिंग दर एच एस एल यही हमारी कंपनी है ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस फॉर हंड्रेड लैक ईच कंपलरी कन्वर्टेबल डिवेंचर इज कन्वर्टेबल फाइव शेयर एट द एंड ऑफ द फोर इयर फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू एंड एनुअल इंटरेस्ट इज पेबल एट द रेट ऑफ सिक्स परसेंट और यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट वगैरह कुछ आ रहा है एक और कंपनी आ गई देखो सबसे पहले उसने एफ एम में परचेज किया अब एनएम में ऑन फर्स्ट जनवरी आठ लाख रुपए क्लासीफाइडमेंट एज एन एसोसिएट भाई साहब ये आ गया आपका इंडिया ए

ठीक है तो ये आपका ऐसे ऐसे इंडेस इंडिया है अब अपन मैंने क्या किया मैंने जल्दी जल्दी पढ़ा मैंने जल्दी जल्दी पढ़ के अब मैं आगे बढ़ रहा हूं हमें मोस्ट अप्रोप्रियट आंसर देना यहां पर भी कुछ गड़बड़ आ सकती है एट वॉट एट वॉट अमाउंट मतलब हमारी कंपनी शेल कैरी इट्स इन्वेस्टमेंट इन एन एम लिमिटेड अब एनएम लिमिटेड वाला पैराग्राफ कौन सा था एनएम लिमिटेड वाला पैराग्राफ ये वाला था इसका मतलब जरूरी नहीं कि पहला एमसीक्यू आपका पहला पैराग्राफ से रिलेटेड हो नालायकों छोटी छोटी बातें हैं बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं पर आपको समझनी पड़ेंगी कि पहला एम क्यों पढ़ा फिर हम जाके ढूंढ रहे हैं अरे पहला पहला पॉइंट में एनएम का है का है का है 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 क्या है, क्या है। ध्यान से रखना है है हाँ ना ओके ठीक शेल कैरी द इन्वेस्टमेंट इन एनएम लिमिटेड इन इट्स कंसोलिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज एट थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेल्व डेट 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 थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेल्व में अब एनएम लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट हम कितने में कैरी करेंगे तो अब इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ते हैं हमने 40% परसेंट स्टेक खरीदा एनएम में फर्स्ट जनवरी को हमसे वो फर्स्ट जनवरी नहीं पूछ रहा है हमसे वो पूछ रहा है फर्स्ट मार्च थर्टी फर्स्ट मार्च तो फर्स्ट जनवरी में हमने एट लाख ,00 रुपीज का कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट खरीदा ठीक है क्लासिफाइड द इन्वेस्टमेंट एज एन एसोसिएट जनवरी में ही द कैरिंग अमाउंट एंड द फेयर वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड इक्विपमेंट इज थ्री लैख एंड फाइव लैख आपको मैं बता दूं

अच्छा अब बोल रहा है तो इसका मतलब अगर uh, प्लांट एंडक्मेंटिडर कर रहे हो फेयर वैल्यू तो डिप्रीशन भी आपको further fair value के हिसाब से consider करना चाहिए जनरेटेड अब देखो क्या क्या होगा सबसे पहले तो इसमें एड होगा पोस्ट एक्विजिशन शेयर ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रॉफिट पोस्ट एक्विजिशन शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा किसका कितना फिफ्टी थाउजेंड का फोर्टी परसेंट फिफ्टी थाउजेंड का फोर्टी परसेंट ना इसने प्रॉफिट कब से कब तक जनरेट किया जनवरी से जनरेट किया अब देखो यहां पर वो आपके साथ खेल सकता था यहां पर वो जनवरी ना बोल के फर्स्ट अप्रैल बोलता अगर क्या बोलता बोलता फर्स्ट अप्रैल तो वो पूरा साल भर हो जाता पर आपने एक्वायर किया है फर्स्ट जनवरी के तो आपको पहले तीन महीने का पोस्ट एक्विजिशन निकालना पड़ता इंस्टीट्यूट को थैंक यू बोलो कि उन्होंने आपको पोस्ट एक्विजिशन ही निकाल के दिया है नालायक को समझ में आ रहा है कुछ कुछ कुन बच्चों को पॉइंट समझा अगर वो आपको अप्रैल से मार्च देता मतलब पूरे 12 महीने का प्रॉफिट देता पर आपने तो जनवरी को परचेस किया है तो आपको पहले थ्री मंथस का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट निकालना पड़ता फिर उसमें फोर्टी परसेंट करना पड़ता ठीक है तो बताओ कितना फिफ्टी थाउजेंड का फोर्टी परसेंट कितना आया कितना आया बेटा ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड आया समझ में कि नहीं ट्वेंटी थाउजेंड फिर बस यहीं पर खत्म चलो अभी रुको अभी बात खत्म नहीं हुई माइनस करेंगे आ, पोस्ट एक्विजिशन एडिशनल डेप्रीसिएशन पोस्ट एक्विजिशन एडिशनल डेप्रीसिएशन है ना पोस्ट एक्विजिशन एडिशनल डेप्रिशन सर एडिशनल डेप्रिशन क्यों बेटा प्लांट एंड इक्विपमेंट का फेयर वैल्यू फाइव लैक है बुक वैल्यू में थ्री लैक है तो हम हमेशा नेट एसेट्स को फेयर वैल्यू पे लेते हैं तो लॉजिकली फाइव लैक होना चाहिए पर ऑलरेडी बुक वैल्यू थ्री लाख ले चुके होंगे तो एडिशनल हमने कितना इंक्रीज किया टू लैख रुपीज लाख रुपीज अगर इंक्रीज किया तो उसका यूजफुल लाइफ कितना है ट्वेंटी क्वार्टर और हमें कितना चाहिए अभी हमें वन क्वार्टर का चाहिए तो भाई निकालो एक क्वार्टर का एडिशनल डेपरिशन दो लाख मल्टीप्लाई बाय सॉरी डिवाइडेड बाय सीधा सीधा ट्वेंटी कर दो ना यार तो कितना आया दो लाख डिवाइडेड बाय ट्वेंटी मतलब ये आ गया दस हजार का फोर्टी परसेंट शेयर तो ये आ जाएगा दस हजार का फोर्टी परसेंट मतलब चार हजार चार हजार एडिशनल माइनस होगा चार हजार बेटा एडिशनल इज पर उसका 40 करोगे ना तुम अपना शेयर तो फोर्टी परसेंट है चार हजार ये आ जाएगा अब इसमें एक और पॉइंट है जिसको लेकर एज ए स्टूडेंट मैं तो टीचर हूं मेरे को तो सब पता है पहले से ही इन्होंने क्या करके रखा है मैंने तो केस पढ़ लिया है पर मैं एज ए स्टूडेंट आपको एक सोच बता रहा हूं कि यार सर थ्री लैख का फाइव लैक हो गया तो सर नेट असैट बढ़ गई तो सर हमारे प्रपोर्शन इन्वेस्टमेंट भी तो उतने से बढ़ने चाहिए तो मतलब थ्री लैख का फाइव लैख थ्री लाख का फाइव लैख लैख और टू लैख का फोर्टी परसेंट सर एटी था प्रपोर्शन इन्वेस्टमेंट भी तो आपके एटी थाउजेंड से बढ़ने चाहिए मानते हो बात को कि नहीं मानते हो कि नहीं तो अगर मैं उस एटी थाउजेंड को भी कंसिडर करूं दो मिनट के लिए रुक जाओ अब देखो क्या क्या है आठ लाख क्या क्या आया एट लाख प्लस ट्वेंटी माइनस फोर्टी माइनस फोर सॉरी एट सिक्सटीन प्लस एटी प्लस एटी एट नाइनटी सिक्स आ रहा है ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है इसीलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ठीक है तो अगर मैं एटी को हटा दू उसके बगैर अगर करूं तो कितना आ रहा है इट शुड बी एट लैख सिक्सटीन थाउजेंड और वो ऑप्शन है एट लैख सिक्सटीन थाउजेंड क्योंकि इस चीज को लेकर एटी थाउजेंड को लेकर शक आता है कि यार सर थ्री लाख का फाइव लाख हो गया तो प्रोपोर्शनेट नेट प्रपोर्शन की वैल्यू बढ़ गई तो हमारा टू लाख रुपी से नेट असेट की वैल्यू बढ़ गई उसकी कंपनी के तो फोर्टी परसेंट शेयर तो हमारा होगा ना हमें भी अपना इन्वेस्टमेंट रिस्पेटिवली बढ़ाना पड़ेगा आप मेरी बात को समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं पर इसने अगर मैं वो कर देता तो एट नाइनटी सिक्स होता तो एट नाइनटी सिक्स आपको यहां पर क्या है? कहीं दिया है नहीं दिया है उन्होंने क्या बोला मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मतलब एट सिक्स बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं गाइस आपको क्या लगता है आप अच्छा आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये केसेस फर्स्ट टाइम कर रहे हैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं मेरे साथ आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये केसेस मेरे साथ फर्स्ट टाइम कर रहे हैं बेटा जिन्होंने पहले ये केसेस शायद नहीं पढ़े या पढ़े भी तो बस ऊपर ऊपर से देख लिए पर सॉल्व नहीं किए टेल मी अगला क्वेश्चन देखिए आप तो एक तो हमारा ये इंडिया ट्वेंटी वाला पॉइंट खत्म हो गया ठीक है जी आर भावेश फर्स्ट हाई मैन हीमेन सॉरी फर्स्ट ऑलविता ऑलविता फर्स्ट ऑलविता डिसूजा बेटा ऑलविता डिसूजा ए 19 इंटर वाले शायद क्योंकि एक मेरी स्टूडेंट थी ऑलविता डिसूजा शिवानी फर्स्ट टाइम कर कृतिका फर्स्ट टाइम शुभम फर्स्ट टाइम प्रियंक अग्रवाल फर्स्ट टाइम स्वाति फर्स्ट टाइम सुरेश फर्स्ट टाइम चाय अपडेट फर्स्ट टाइम अमन फर्स्ट टाइम अमान फर्स्ट टाइम इस्माइल फर्स्ट टाइम वैष्णवी फर्स्ट टाइम निलोफर फर्स्ट टाइम ऑलविता पहचान गया 19 इफ आई एम नॉट रॉन्ग सी ए इंटरमीडिएट आई थिंक अकाउंट ट्रैक बैच एंड इट वॉज अप्रोक्सीमेटली टू थाउजेंड ट्वेंटी वन या टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टू थाउजेंड ट्वेंटी वन या टू थाउजेंड ट्वेंटी टू आई थिंक चलो चलो बेटा हाउ शुड एच एस एल अकाउंट फॉर द ट्रेड डिस्काउंट हाउ शुड यस हाउ शुड एच एस एल अकाउंट फॉर द ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट एंड वाउचर गिवन टू द कस्टमर अब इन तीनों का ट्रीटमेंट क्या होगा यहां पर भी थैंक यू बेटा थैंक यू कुनाल फर्स्ट टाइम चलो अलबिता आप मुझे पर्सनली मैसेज जरूर करना व्हाट्सएप पे क्या हालचाल है बहुत टाइम बाद आपसे बात हुई है मुझे जरूर बताना है ना व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर करना चलिए एचएसएल ट्रेड डिस्काउंट कैश गिवन टू कस्टमर अब वापस से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं 115 का क्वेश्चन है। ट्रेड डिस्काउंट ऑन सेल ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा विच इज मैं हाउर इफ ट्रेड फ्रंट देन एच एस एल एडिशनल कैश डिस्काउंट ऑफ दो परसेंट ये मुझे आप बताओगे कि वो बोल रहा है कि मैं आपको सात दिन का क्रेडिट पीरियड दे रहा हूं पर अगर आपने इमीडिएटली पे कर दिया तो मैं आपको दो परसेंट इमीडिएटली माइनस कर दूंगा इन में से ही. अगर आपने मुझे इमीडिएटली पे किया इसका मतलब ये अमाउंट भी सेल प्राइस में से क्या माइनस होना चाहिए अगर कस्टमर इमीडिएट पे कर रहा है यह आप मुझे बताओगे अभी चैट पे एच एस एल ऑल्सो प्रोवाइड्स अउचर वर्थ और वेलिडी ऑफ वन ईयर विच कैन बी यूज एट एन एप्रल स्टोर तो बेटा वाउचर याद करो इंडिया में आपको पढ़ाया जाता है कि अगर एडिशनल परचेज करने के लिए है ना एक्स्ट्रा परचेज करने के लिए आप सामने वाले को कोई वाउचर देते हो कोई मटेरियल डिस्काउंट देते हो है ना डिस्काउंट गिवन टू सब कस्टमर फॉर एडिशनल परचेज तो अगर वो डिस्काउंट मटेरियल है तो आपको इसको फाइव हंड्रेड को करंट रेवेन्यू uh, में से माइनस करना पड़ता है तो प्रोबेबली ये तो माइनस होगा तो ट्रेड डिस्काउंट तो शॉर्ट शॉर्ट माइनस होगा वाउचर शॉर्ट शॉर्ट माइनस होगा कैश का आप बताओगे कैश का आप बताओगे एक बच्चा बोल रहा है फाइनेंस कॉम्पोनेंट हां पर नहीं भी फाइनेंस कॉम्पोनेंट मोस्टली हम तब देखते हैं जब थोड़ा पीरियड बड़ा हो ज्यादा बड़ा पीरियड हो बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट पीरियड हो या अगर नॉर्मल क्रेडिट पीरियड हो तो ठीक है पर मैं उस सेंस में नहीं पूछ रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि अगर कस्टमर इमीडिएटली पे करे तो क्या मैं माइनस करूंगा सेल में से हाँ माइनस करूंगा बोलो बेटा तो अब आपको मोस्ट अप्रोप्रियट आंसर ढूंढना है हो सकता है आपको एक्यूरेट आंसर ना मिले तो देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट बी रिड्यूस्ड हाँ सही बोल रहा है हाउर कैश डिस्काउंट एंड वैल्यू ऑफ वाउचर शेल बी चार्जेड एक्सपेंस नहीं वैल्यू ऑफ वाउचर तो मुझे हंड्रेड परसेंट श्योर है कि रेवेन्यू में से माइनस होगा ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंटर शेल्यू ऑफ वाउचर तो मुझे तो रेवेन्यू में माइनस होगा हो ही होगा इसका मतलब मोस्ट अप्रोप्रियट आंसर कौन सा है ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट एंड वैल्यू ऑफ हाउचर शेल बी रिड्यूस फ्रॉम रेवेन्यू मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डी इज द करेक्ट आंसर और डी इज दूरेट आंसर इट इज दोस्ट्रोप्रियट आंसर बिकॉज कैश डिस्काउंट को लेकर स्टिल एक डेली है बिकॉज कैश डिस्काउंट जो है वो जरूरी नहीं कि आपका रेवेन्यू में से माइनस हो कैश डिस्काउंट रेवेन्यू में से माइनस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है पर लॉजिकली देखा जाए तो मैं कैश डिस्काउंट कब दूंगा तभी दूंगा ना जब सामने वाला मुझे इमीडिएट पे करेगा नहीं तो मुझे कैश डिस्काउंट देने की जरूरत ही नहीं है और अगर मैं कैश डिस्काउंट दूंगा तो मुझे रेवेन्यू तो माइनस करना ही पड़ेगा तो कहीं ना कहीं प्राइमा ये सही लिख रहा है आया समझ में कि नहीं सो तो कैश डिस्काउंट डेफिनेटली यहां पर डी ही होगा समझ लो मेरी बात को बहुत ही चालाकी से इन्होंने ये क्वेश्चन को फ्रेम किया है मैं इस क्वेश्चन का एक और केस बताऊं आपको अगर वो बोलता कि हम नॉर्मल सेवन डेज का पीरियड तो देते ही मतलब सपोज वो सेवन डेज की बजाय बोलता कि हम नॉर्मल वन मंथ का पीरियड क्रेडिट पीरियड देते हैं वन मंथ का वन मंथ का क्रेडिट पीरियड देते हैं पर अगर कोई कस्टमर हमें विद इन टेन डेज दे दे विद इन टेन डेज पेमेंट कर दे तो हम उसको कैश डिस्काउंट अलग से देते हैं ये स्टेटमेंट और इनका वाला स्टेटमेंट में जमीन आसमान का फर्क है यहां वो बोल रहे हैं कि अगर कस्टमर इमीडिएट पे करेगा तो ही हम उसको कैश डिस्काउंट देंगे मैं बोल रहा हूं कि अगर कस्टमर हमसे क्रेडिट लेगा तो हम उसको थर्टी मंथ्स का क्रेडिट तो देंगे ही देंगे दे सकते हैं थर्टी मंथ्स का पे कर सकता है क्या तो मैं तेरे को एक्स्ट्रा वन परसेंट टू परसेंट डिस्काउंट दे दूंगा उस केस में अगर मैं विद इन टेन डेज के केस में टू परसेंट का कैश डिस्काउंट देता तो वो कैश डिस्काउंट कभी भी मेरे रेवेन्यू से माइनस नहीं होता वो कैश डिस्काउंट एक्सपेंस में जाता पर ये कैश डिस्काउंट इसीलिए रेवेन्यू से माइनस हो रहा है क्योंकि ये कैश डिस्काउंट के अंदर क्रेडिट पीरियड जीरो हो जा रहा है क्रेडिट पीरियड जीरो हो जा रहा है आप थोड़ा सा डिटेल में अगर इसको सोच के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूं अभी के लिए हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज डी चलिए नेक्स्ट व्हाट शेल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस ऑफ दो लाख इनकर्ड इन कनेक्शन विद विद्यू ऑफ सीसीडी कंपलसरी कन्वर्टेबल डिवेंचर दो लाख का डायरेक्टली एक्सपेंस का ट्रीटमेंट क्या होगा चलो देखते हैं भाई है क्या पहले तो पॉइंट पढ़ लेते हैं आइए आइए ड्यूरिंग दर एच एस एल इनकर्ड कंपलरी कन्वर्टेबल डिवेंचर ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस फॉर हंड्रेड लाख ठीक है आपने सीसीडी इशू किया टे इन टू फाइव शेयर एट द एंड ऑफ द फोर इन फ्रॉम डेट ऑफ दिल्कुल चार साल बाद तो शेयर बन जाएगा पर तब तक आपको कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज के फॉर्म में इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा ठीक है इनिशियल रिकॉन्शन एच एस एल रिकॉग्नाइज अटी कॉम्पोनेट ऑफ ट्वेंटी लैख सेवेंटी थाउजेंड एच एस एल ऑल्सो इनकर्ड एक्सपेंस ऑफ टू लैक इसी की बात पूछ रहा है वो इन द कनेक्शन विद्यू ऑफ द इंट्रूमेंट बेटा इसको ट्रांजेक्शन कॉस्ट कहते हैं यार ये क्वेश्चन उन्होंने कॉपी पेस्ट किया है मैं आपको क्वेश्चन दिखा सकता हूँ सिर्फ फिगर चेंज किए नेचर ऑफ एक्सपेंस इंक्लूडेड फीस पेड टू लीगल एडवाइजर रजिस्ट्रेशन रेगुलेटरी मैं आपको एक बात बताऊं आपको पढ़ाया गया है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कि जो भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रिस्पेक्ट में उस ट्रांजेक्शन कॉस्ट को आपको लाइब्रेरी कॉम्पोनेंट और इक्विटी कॉम्पोनेंट दोनों में डिवाइड करना पड़ता है अलोकेट करना पड़ता है ये क्वेश्चन तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में है मैं हंड्रेड बोल सकता हूँ तुमने ऐसा क्वेश्चन देख, देखा होगा ट्रांजेक्शन कॉस्ट दो लाख रुपए को तुम लाइब्रेरी कॉम्पोनेट में और इक्विटी कॉम्पोनेट में अलोकेट करोगे उनकी कैरिंग अमाउंट के प्रपोर्शन में अब देखो तुमने इशू कितने के किए कितने के इशू किए तुम लोगों ने हंड्रेड लैक्स ,00 के और उसमें से ट्वेंटी लाख सेवेंटी नाइन थाउजेंड किया कंपोनेंट तो इक्विटी कंपोनेंट तुम्हारा बाकी का हो जाएगा ठीक है

दो लाख का कॉस्ट है दो लाख को आप इक्विटी और लाइब्रेरी में डालोगे तो इक्विटी में आएगा लगभग वन फिफ्टी एट के बराबर करके देख लेना अभी टाइम नहीं है हमारे पास पर करके देख लेना यही आएगा और जो लाइब्रेरी पोर्शन में जाएगा वो लाइब्रेरी के बुक कैरिंग अमाउंट को कम कर देगा लाइब्रेरी के, के कैरिंग अमाउंट को कम कर देगा तो अल्टीमेटली आगे आने वाले चार साल का इंटरेस्ट कम हो जाएगा ना बेटा फोर्टी वन फिफ्टी शेल बी रिक्नाइज एज इंटरेस्ट कॉस्ट ओवर अ पीरियड वो कहीं ना कहीं आता है इंटरेस्ट में रिकवर इंटरेस्ट में रिकवर हो जाएगा इंटरेस्ट में कवर हो जाएगा तो आंसर इज सी आंसर इज सी स्वाति ने तो पहले ही आंसर कर दिया बच्चों रिक्वेस्ट है पहले पूरा पढ़ लो क्योंकि बाकी बच्चे फिर उनका अपना दिमाग नहीं चला पाएंगे आंसर इज सी किसी को इस क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे बोल देना किसी को इस क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे बोल देना अगर आपको डिटेल में करके देखना है तो आप क्या करोगे आप हंड्रेड लैख को दो हिस्सों में डिवाइड करोगे ट्वेंटी सेवेंटी नाइन और बाकी का इक्विटी uh, फिर दो लाख को उन दोनों के रेशियो में एलोकेट करोगे तो आपका लगभग यही आएगा इसके आसपास 158 और 41 और बाकी जितने भी ऑप्शन है वो बेकार ऑप्शन है क्योंकि दो लाख दो लाख दो लाख बोल रहा है कहीं पे भी अपोर्शन नहीं बोल रहा है तो मोस्ट अप्रोप्रियट क्या हुआ सी अरे चले गए क्या होली करने नायकों होली देखने चले गए समझ में आया आगे बढ़ू आंसर इज सी फाइनल वाले बच्चे ना मोटिवेट नहीं करते फैकल्टी को मैंने ये देखा है इंटर वाले बच्चे गजब मोटिवेट करते हैं उनको दिख जाता है यार सारे यार बार बार पूछ रहे कर रहे हैं चलो यार थोड़ा सा ना सर से सर को थोड़ा हाँ सर कैसे क्या सर बात करना लगते हैं वो अपने आप मोटिवेशन मिल जाता है फाइनल वाले बच्चे अकेले हो गए हो यार तुम लोग जिंदगी झंड हो गई है, है हमें पता है हमारी जिंदगी झंडे पर दिखाओ तो मत यार चलिए आगे बढ़े विध मोर एक्शन एच एस एल वेंचर एक्चुअली आप क्वेश्चन देखोगे तो हमने देखा था एच एस एल ने एन एम लिमिटेड को एक्वायर किया था एसोसिएट ऊपर वो ये तो डिवेंचर है ऊपर वो एफ Limited को टेक ओवर कर रहा था वो भी थर्टी परसेंट स्टेक था ठीक है तो वो बोल रहा है कि इनके अलावा एच एस एल के पास ओवरऑल दो सब्सिडरीज है तीन एसोसिएट है एक ज्वाइंट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू द अकाउंटिंग ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आप जानते हो ये किस पे लग रहा है इंडिया सेवन पे लग रहा है इंडेस इंडिया में आपको पढ़ाया जाता था कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी है investment in associate है इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन इन एसोसिएट वेंचर है तो आप आइदर कॉस्ट मॉडल फॉलो करो या तो फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो करो अब आप कॉस्ट मॉडल फॉलो करना चाहते हो या फेयर वैल्यू तो आप कैटेगरी वाइज जा सकते हो आप सारे के सारे सब्सिडी पर या तो कॉस्ट या तो फेयर वैल्यू आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक सब्सिडी के ऊपर कॉस्ट एक के ऊपर फेयर वैल्यू ये नहीं कर सकते तो इंटायर कैटेगरी ऑफ सब्सिडी के ऊपर कॉस्ट अगर कर रहे हो तो चलेगा या ओवरऑल फेयर वैल्यू करो हाँ पर ऐसा कर सकते हो कैटेगरी वाइज जा सकते हो कि सब्सिडी की कैटेगरी पर कॉस्ट पर चले गए तो एसोसिएट की कैटेगरी पर आप फेयर वैल्यू जा सकते हो याद है कि नहीं बोलो बेटा याद है कि नहीं याद है कि नहीं बस आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है आप बता पाओगे क्या चलो मैं चैट पे देखता हूं कितने बच्चे आंसर करते हैं एच एस एल रिक्वायर टू मेजर ऑल सच इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट मैं अभी कुछ भी कमेंट नहीं करूंगा क्या इसको सारे इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे मेजर करने चाहिए एच एस एल ऑप्शन टू अकाउंट फॉर द इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड ज्वाइंट वेंचर यूजिंग इक्विटी मेथड इक्विटी मेथड तो इंडिया ट्वेंटी एट में आता है वो भी कंसोलिडेशन में आता है सेपरेट में आता ही नहीं है ऑप्शन फॉर ईच इन्वेस्टमेंट टू मेजर आइदर एट कॉस्ट और इन अकॉर्डेंस विद इंडिया कुछ कुछ सही लग रहा है पर मैंने बोला था कैटेगरी वाइज एच एस एल ऑप्शन ऑप्शन टू मेजर ऑल सच इन्वेस्टमेंट आइदर एट कॉस्ट और इन अकॉर्डिंग ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर ईच कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट सेपरेटली दैट इज का अलग सारी सब्सिडी का अलग एसोसिएट का अलग ज्वाइंट वेंचर का अलग बताओ चलो एक और हिंट देता हूं पहला तो बिल्कुल नहीं सारे इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे जरूरी नहीं है क्योंकि सेपरेट फाइनेंशियल मतलब इंडिया सेवन पूछ रहा है तो वो कॉस्ट और फेयर वैल्यू मतलब वन जीरो हिसाब से ऑप्शन देता है

याद ना आए ये चीज कि हमने कहां पढ़ी है कैसे पढ़ी है अच्छा इसको ऐसे रिलेट करना है क्या ठीक है पर समझ लेना कि हाँ ठीक है अगर आएगा इस टाइप का क्वेश्चन तो हमें सम, हमें इस चीज को मैनेज करके चलना है विद रिस्पेक्ट टू द एस पी ए इंटर्ड बाई एच एस एल यार एस पी ए नाम की चीज कहीं पड़ी थी ये रही एस पी एस पी ए शेयर परचेज एग्रीमेंट ठीक है ये पूछ रहा है डिटरमाइन द डेट वेन एच एस एल गेड कंट्रोल यार कंट्रोल की बातें कर रहा है कंट्रोल तो हमारा फिफ्टी परसेंट या उससे ऊपर हो तो फिफ्टी परसेंट से ऊपर मोस्टली तब मिलता है ओवर एफ एम लिमिटेड क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा भाई पूरा चलो देखें इंटेंशन टू एक्सपैंड एच एस एल इंटर शेयर अग्रीमेंट विद हो तो थर्टी परसेंट खरीद रहा है फर्स्ट जून को एट अ प्राइस ऑफ थर्टी एस पर द टर्म्स ऑफ एसपी ए एच एस एल है ऑप्शन टू परचेज एडिशनल ट्वेंटी और उसको ऑप्शन दिया गया ट्वेंटी और खरीदने का थर्टी तो तो पहले पहले रुपीज में सिमिलरली सेलिंग शेयर होल्डर्स हैज्शन टू सेल ट्वेंटी फाइव परसेंट स्टेक इन एफ एम ऑन और बिफोर फिफ्टीन जून अब देखो वो वर्ड क्या यूज कर रहा है कंट्रोल वो आपसे यह नहीं पूछ रहा है कि कंट्रोल है कि नहीं कंट्रोल है कंट्रोल नहीं है वो ये नहीं पूछ रहा है तो फालतू का दिमाग मत चलाना कि सर ऐसे कैसे मान लें कि वो खरीद ही लेगा है ना इसको तुम पोटेंशियल इक्विटी मानो और ये मान लो कि ये कॉल ऑप्शन इन द मनी है शायद नाम सुना होगा इन द मनी मतलब इन फेवर तो वो खरीदेगा ही खरीदेगा ये श्योरिटी है और उसने एक्चुअल उसने वन जून को थर्टी परसेंट खरीद लिया है ट्वेंटी फाइव परसेंट खरीदने का उसके पास वन जून को ऑप्शन है पर वो एक्सपायर हो जाएगा फिफ्टीन जून के बाद the decision on the relevant activities of fm are made in the agm egm resolution of agm egm is passed within with more than 50% wo to bata raha hai 50% resolution required hota hai matlab uska 55 ho jayenge to wo kar lega aur agm egm can be called by giving at least 21 days notice to all the shareholders 21 अब एजीएम ईजीएम जब भी होगी ना तब तक अगर इसको खरीदना होगा तो ये खरीद लेगा 15 दिन के अंदर अंदर क्योंकि वैसे भी 21 दिन की बात कर रहा है तो बेटा सिंपल सी बात है एजीएम ईजीएम तो 15 दिन के बाद ही होगी और अगर इसने खरीद लिया तो एजीएम के अंदर इसके पास हो जाएंगे पचास से ऊपर मतलब पोटेंशियली लग रहा है कि हां भाई मतलब कंट्रोल की बात कर रहा है मतलब वो तो खरीदेगा ये तो बात कर रहा है बस हमें डेट तय करनी है कि कौन सी डेट पर होगा कौन सी डेट पर होगा तो डेट कौन सी होगी फर्स्ट जून जब हमने ओरिजिनल परचेज किया था फिफ्टीन जून जब ऑप्शन एक्सपायर हो रहा है डेट ऑफ एजीएम या फिर जब रिजोल्यूशन एजीएम का ऑन द डेटीएम एजीएम या जब रिजोल्यूशन इशू किया गया

चांसेस अच्छे खासे हैं तो आप कंट्रोल मान लोगे तो आप फर्स्ट जून से ही इसको एक्विजिशन मान लोगे तो फर्स्ट जून विल बी द द डेट ऑफ एक्विजिशन आंसर इज ए हो सकता है कुछ बच्चों को शायद ये पूरी तरीके से समझ में नहीं आया हो मैं आपको बोलूंगा देखो लास्ट की डेट तो किसी काम की नहीं है अब अब, अब, अब है पंद्रह जून और एक जून पंद्रह जून मतलब जब ऑप्शन एक्सपायर हो रहा है तब से लेकर कंट्रोल मानू नहीं अगर मुझे पहले जून पे ही अगर मुझे फर्स्ट जून पे ही पता है कि मैं तो खरीदूंगा तो मैं जून को नहीं मानके मैं 15, मेरा मोस्ट आंसर फर्स्ट अब ये सब कुछ डिपेंड करता है अंदर का इंटेंशन एंटिटी का मान लो फर्स्ट जून को उनको लग रहा था कि नहीं 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 कर पाएंगे पर जून तक उनका मन परिवर्तन हो गया तो पंद्रह जून भी हो सकता है पर मैं कह रहा हूं कि मोस्ट अप्रोप्रियट बेटा और मोस्ट अप्रोप्रियट आंसर इज फर्स्ट जून ठीक है इसीलिए मैं आपको बार बार कोशिश कर रहा हूं यह समझाने की कि आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट पर ध्यान रखना है और यहां पर लड़ाई मत करना मुझसे कि यार उसने कंट्रोल कहां से प्राप्त कर लिया बोल रहा है ना वो गेंड कंट्रोल दिमाग मत चलाओ इंस्टीट्यूट ने लिख दिया कंट्रोल मतलब उस आपको मान के चलना है कि वो एडिशनल ट्वेंटी फाइव तो खरीदेगा ही खरीदेगा ठीक है फाइव भी चलो बच्चों अब आए एम टी पी पर अब आ जाए एम टी पी पर चलो अब एम टी पी पर आ जाते हैं अब एम टी पी पर आ जाते हैं सर ये कहीं लिखा हुआ है इंडिया में फॉर रेफरेंस पर्पज इंडिया बेटा इंडिया के थ्योरी क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो सब समझ में आ जाएगा कंट्रोल की डेफिनेशन कंट्रोल की डेफिनेशन के अंदर तुम जब क्वेश्चन पढ़ोगे कंट्रोल की डेफिनेशन के तो उसमें पोटेंशियल इक्विटी है करके उसमें पोटेंशियल इक्विटी है करके ठीक है चलो चलो भाई आगे बढ़े अब केस सिनेरियो वन एम वाला बेटा इसमें ना मैं एक कन्फेशन करूंगा एक पॉइंट एक एमसीक्यू है आगे मालूम पड़ जाएगा उस एमसीक्यू का आंसर मुझे कहीं ना कहीं गलत लग रहा है हो सकता है मेरा को मेरा दिमाग नहीं चल रहा हो उस टाइम मतलब हो सकता है मेरा दिमाग उस चीज को लेकर नहीं चल रहा हो मुझे हेल्प करना करोगे हेल्प एक एमसीक्यू है उसका आंसर मुझे गलत लग रहा है हो सकता है शायद मैं कुछ शायद मिस कर रहा हूं तो आप मुझे हेल्प करिएगा बेटा प्लीज ठीक है मैंने आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है चलो करोगे ना हेल्प बोलो हां सर करेंगे अरे यार प्लीज यार चलो यू लिमिटेड इज इंगेज इन माइनिंग मेनी एंड मेरी अदर इंडस्ट्रीज एंड प्रिपेयर द फाइनेंशियल फॉलोइंग इंडियन अकाउंटिंग फॉलो अप्रैल टू मार्च एज फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग द ईयर ट्वेल्ल थर्टीन द कंपनी हैज सम एंड फॉर योर प्रोफेशनल एडवाइस ठीक है अब कुछ इश्यूज फेस कर रही है ठीक है भाई पहला यू लिमिटेड हमारी कंपनी यू लिमिटेड है एफ लिमिटेड आर द पार्टनर्स ऑफ अ अंट ऑपरेशन इंगेज इन द बिजनेस ऑफ माइनिंग प्रीशियस मेटल्स एंटिटी यूजेस ज्वाइंटली ओन्ड ड्रिलिंग प्लांट इन द बेटा ज्वाइंट ऑपरेशन है मतलब कुल मिला के इंड ए एस ट्रिपल वन के आसपास आ रहा है दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं यू लिमिटेड लीज द मशीन फ्रॉम डी लिमिटेड ऑन थ्री ईयर लीज द एक्सपेक्टेड फ्यूचर इकोनॉमिक लाइफ दिस मशीन ब्रेक डाउन द अंडर द टर्म्स ऑफ द लीज डी लिटिट टू रिपेयर द मशीन डी लिमिटेड अग्री टू अलाउ यू लिमिटेड टू मशीन फर्स्ट सिक्स मंथ्स आफ्टर दिस इनिशियल पीरियड लीज रेंटल इज दिस बेटा इंडिया आ रहा है यू लिमिटेड शूड टेन लैक नाइन परसेंट क्यूमलेटिव प्रेफरेंसर्स कंपनी हैजयर्स ऑफ फिफ्टीन क्रोर्स ऑफ प्रीफरेंस डिडेंट हट इनकर्स करंट ईयर वन पॉइंट सेवन फाइवनी डिड नॉट रिक्लेर ऑप्शन कुछ डिविडेंट पर कुछ समथिंग सबसे बात कर रहा है अब ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है कोई दूसरा भी हो सकता है ठीक है

जनवरी थर्टीन यूलोमीटर पे किया इंटरेस्ट इतना मोस्ट अप्रोप्रियट ऑप्शन चलो हमारा आइडेंटिफाई तो हो गया पर मुझे लग रहा है कि जो तीसरा नंबर यह एफ आई भी हो सकता है कुछ और भी हो सकता है चलो हो गया बेटा करें स्टार्ट करें स्टार्ट चलो पहला एमसीक्यू विद रिस्पेक्ट टू द ज्वाइंट ऑपरेशन इंगेज इन द बिजनेस ऑफ माइनिंग प्रीशियस मेटल्स हाउ विल द बी लाइबिलिटीड इन द बुक्स ऑफ यू लिमिटेड ज्वाइंट ऑपरेशन वाला कैस कौन सा था पहला वाला था अब ढंग से पढ़ते हैं लाइबिलिटी की बात पूछ रहा है जो लाइबिलिटी है उसको कैसे डिस्कलोज किया जाएगा यू एफ आर पार्टनर्स ऑफ ज्वाइंट ऑपरेशन इंगेज इन द बिजनेस ऑफ माइनिंग द एंटिटी यूज इज ज्वाइंटली ओन्ड ड्रिलिंग प्लांट इन द ऑपरेशन जे मतलब बेसिकली प्लांट को मेंटेन करते हैं ड्यूरिंग द ईयर इंस्पेक्शन वॉज कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज इन द माइनिंग फील्ड इंस्पेक्शन अथॉरिटीड एडोकेट सेफ्टी पहली लाइन पढ़ के पहली दो लाइन पढ़ के समझ में आ गया कि जो इंडिया ट्रिपल वन में ज्वाइंट अरेंजमेंट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं जे ओ ज्वाइंट ऑपरेशन और जे वी ये ज्वाइंट ऑपरेशन लग रहा है क्योंकि वो बस प्लांट को ज्वाइंटली uh, यूज कर रहे हैं इन दोनों ने कोई अलग से कोई सेपरेट एंटिटी नहीं बना के रखी है मतलब ज्वाइंट ऑपरेशन है और ज्वाइंट ऑपरेशन के अंदर एक्सपेंसिस को uh, बांटा जाता है हा ना इंस्पेक्शन हुआ सेफ्टी मेजर्स का और मालूम पड़ा कि फॉलो नहीं कर रहे हैं ये लोग ठीक है ना एज अ कॉन्सिक्वेंस केस वॉज फाइल्ड एंड पेनल्टी ऑफ फिफ्टी करोड़ हैज बीन डिमांडेड द लीगल काउंसिल ऑफ द कंपनी हैज असेस द डिमांड एंड ओपाइंड दैट द अपील मे नॉट बी यूजफुल अपील मे नॉट बी यूजफुल एंड द अपील ऑर्डर विल बी

लिखा हुआ है कि एफ से रीमबर्समेंट आएगा पर अभी तक एक्चुअल रिम्बर्समेंट आया नहीं है रीमबर्समेंट का क्वेश्चन आपको आपको यहां पर मालूम पड़ेगा इंडिया सेवन में होता है बेटा इंडिया सेवन में और इंडिया सेवन बोलता है uh, 37 भी लग रहा है बेटा यहां पर इंडियस थर्टी सेवन बोलता है कि आप री को अकाउंट फॉर तब करोगे जब वर्चुअली सर्टेन टू बी रिसीव होगा नहीं तो आप अकाउंट फॉर नहीं करोगे अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू द ज्वाइंट ऑपरेशन इंगेज इन माइनिंग ऑपरेशन मेटल्स हाउ विल द बी इन द बुक्स ऑफ यू इसने एक वर्ड बोला था आउट ऑफ द दी करोड़ टू बी पेड बाई यू मतलब प्राइमा फेसी यू की है प्राइमा फेसी लाइब्रेट पे करने की यू की है और यहां पर भी बोल रहा है डिमांडेड फ्रॉम यू डिमांडेड फ्रॉम यू यू से डिमांड किए गए मोस्ट ट आंसर यू से डिमांड किए गए तुम्हारे मन में चल रहा होगा क्या ही दिक्कत है बेटा सर एफ और यू बांट लेंगे दोनों अपनी अपनी लाइब्रेरी बेटा प्राइमरली देखो डिमांडेड फ्रॉम यू जबरदस्त क्वेश्चन पूछा इन्होंने डिमांडेड फ्रॉम यू प्रोविजन ऑफ ट्वेंटी एंड अ कॉन्टेल लाइब्रेट आप थर्टी आपको एक बात बताऊं प्राइमर पे आंसर हमें यह लगता है क्योंकि तो थर्टी तो हमें एफ से मिल जाएंगे

यू से डिमांड किए गए तो यू को तो पूरा का पूरा प्रोविजन बनाना ही पड़ेगा उस रीइंबर्समेंट को सेपरेट असेट बनाएगा ये क्वेश्चन एंड ओनली इफ इट इज वर्चुअली सर्टेन टू तो बी रिसीव यहां पर कॉन्टेजेंट लाइब्रेटी नहीं आएगा द आंसर इज रॉन्ग दिस ऑप्शन इज रॉन्ग द राइट आंसर इज एप्रोप्रिएट आंसर इज प्रोविजन ऑफ थर्टी फिफ्टी क्रोर्स प्रोविजन ऑफ फिफ्टी क्रोर्स ठीक है बेटा शब्दों का बड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा डिमांडेड फ्रॉम यू टू बी पेड बाय यू मतलब यू को पूरा प्रोविजन बनाना ही पड़ेगा अब रही बात कि यू असेट बनाएगा कि नहीं अगर वर्चुअल सर्टेनिटी होती तो बिल्कुल असेट बनाता अब इसमें कोई ऑप्शन दिया नहीं होता यहां पर वो एक और ऑप्शन देना चाहिए था उसको प्रोविजन ऑफ फिफ्टी एंड सेपरेट असेट ऑफ थर्टी इफ वर्चुअल सर्टेन तो वो ज्यादा बेटर आंसर होता प्रोविजन ऑफ फिफ्टी एंड सेपरेट असेट ऑफ थर्टी इफ वर्चुअली सर्टेन टू बी रिसीव वो बेटर आंसर होता इसीलिए बस मोस्ट अप्रोप्रिएट की बात कर रहे हैं मेरी बात समझ में आई यहां पर आज चलो मुझे ना इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है कैलकुलेट द करंट लाइबिलिटी ऑफ द लीज मशीन फ्रॉम डी लिमिटेड टू बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड थर्टीन करंट लाइबिलिटी का फिगर पूछ रहा है मेरे को प्रॉब्लम है बेटा इस क्वेश्चन में क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हो क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हो यू लिमिटेड फर्स्ट अप्रैल को यू लिमिटेड लीज द मशीन फ्रॉम डी डी से लीज क्लियर ईयर एक्सपेक्टेड फ्यूचर इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द मशीन इज एट ईयर इफ द मशीन ब्रेक्स डाउन इफ द मशीन हमने लीज पर लिया है दो साल हो तीन साल हो वॉट हम तो आर ओ के दो हिस्से करेंगे करंट और नॉन करंट देन अंडर द टर्म्स ऑफ द लीज डी लिमिटेड वुड बी रिक्वायर्ड टू रिपेयर द मशीन और प्रोवाइड रिप्लेसमेंट ठीक है डी लिमिटेड अग्री टू अलाउ यू लिमिटेड

यहां पर लीज स्टार्ट हुआ है और लीज थ्री इयर्स का है थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन तो थर्टी फर्स्ट मार्च फिफ्टीन का है फोर्टीन थर्टीन आपसे वो थर्टीन का पूछ रहा है यहां पर पूछ रहा है कि करंट लाइबिलिटी कितना होगा इसके अलावा वो जो पेमेंट कर रहा है पेमेंट क्या है टू टेन वर पेबल सिक्स मंथली इन अर तो फर्स्ट पेमेंट उसका फॉलिंग ड्यू कब होगा थर्टी फर्स्ट मार्च को तो फर्स्ट पेमेंट थर्टी फर्स्ट मार्च को वो टू टेन पे कर देगा बोलो फर्स्ट पेमेंट वो टू टेन पे कर देगा पर यहीं पर वो बोल रहा है कि करंट लाइब्रिटी कितनी होगी करंट लाइब्रिटी तो ये होती है ना कि जो फर्दर हम पे करने वाले यहां पर बीच में वो टू पॉइंट टेन पे करेगा और यहां पर वो टू पॉइंट टेन पे करेगा ये ड्यू होने वाला है और ये ड्यू होने वाला है एक बात और बता दूं इस क्वेश्चन में उन्होंने आपको डिस्काउंटिंग रेट नहीं दिया है कहीं पर भी अलग से तो नहीं है नहीं है डिस्काउंटिंग रेट उन्होंने आपको नहीं दिया है हाँ डिस्काउंटिंग रेट उन्होंने आपको नहीं दिया है एक तो ना इंस्टीट्यूट के साथ सबसे बड़ी गड़बड़ ये है उन्होंने आंसर आपको दे दिए पर कहीं कहीं ना उनको ना जस्टिफिकेशन देने चाहिए उनको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना चाहिए उन्होंने ना कहीं एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं किया है ये थोड़ा सा ना गलत है उनको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना चाहिए था मुझे ना इस क्वेश्चन के आंसर में शक है ऑप्शन में शक है आप मुझे बताओ ये बोल रहा है कि करंट लाइब्रेरी कितनी बनाई जाएगी यहां पर खड़े होके यहां पर खड़े होके आपको ये देखना है कि करंट लाइब्रेरी कितनी मानी जाएगी लॉजिकली हम यहां पर खड़े होके करंट लाइब्रेरी कैसे निकालते हैं जो भी हम इंटरेस्ट रिकॉर्ड करते हैं वो करंट लाइब्रेरी रिकॉर्ड करते हैं दो तरीके होते हैं करंट लाइब्रेरी रिकॉर्ड करने के आपका यहां पर जो भी क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है उस क्लोजिंग बैलेंस का जो भी डिस्काउंटिंग या इंटरेस्ट रेट है उसका इंटरेस्ट का रेट निकालो जो तुम आगे बुक करने वाले हो उसको तुम करंट लाइब्रेडी मान लेते हो एक ऑप्शन होता है पर इंटरेस्ट है तो दिया नहीं है। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप विद इन ट्वेल्व मंथ कितना पे करने वाले हो तो विद इन ट्वेल्व मंथ आप पे करने वाले हो टू पॉइंट एन टू पॉइंट मतलब फोर पॉइंट टू एक ऑप्शन ये होता है ठीक है मैं जितनी समझ सोच पा रहा हूं तुम तो मुझे अपना व्यू बताओ यहां बोल रहा है कि सेवेंटी होगा या वन होगा या थ्री फिफ्टी होगा या फोर ट्वेंटी होगा चलो बताओ तुम्हारे हिसाब से आंसर क्या है मैं तुम्हें अपनी सोच बताऊंगा पर तुम्हारे हिसाब से आंसर क्या है शिवानी कह रही है फोर ट्वेंटी होगा मैंने आपको क्या बोला मोस्टली हम जब

फोर 4.2 बोल रहे हो यार तुम लोग मैं आपको एक बात बताऊं इंस्टीट्यूट का आंसर 4.2 नहीं है और एक और बात बताऊं आपकी और मेरी सोच सेम है मेरे को भी आंसर लगता है 4.2 और बिल्कुल सही तो है है यार 2.1 2.1 4.2 तो तो होता है। तो अगले बारह महीने में हम ये पे करने वाले पर यार इंस्टीट्यूट ने ना आंसर सेवेंटी दिया है ये देखिए इंस्टीट्यूट ने आंसर सेवेंटी दिया है यार ऑप्शन ए ये इंस्टीट्यूट का एमटीपी है भाई उनका फॉर्मेट ऑप्शन ए सेवेंटी दिया है क्यों यार क्यों यार मैं मुझे नहीं पता तो मैं इसको लिख देता हूं डाउटफुल उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है आंसर ऑफ पार्ट टू डिस्क्रिप्टिव शुरू कर दिया है दे हैवेंट प्रोवाइडेड एनी एक्सप्लेनेशन अभी भी मैं कह रहा हूं कि आई एम नॉट श्योर हम गलत हो सकते हैं सब लोग हम सब लोग गलत हो सकते हैं पर यार इतने बच्चों का और मेरा दिमाग एक जैसा क्यों चल रहा है कुछ तो गड़बड़ है यार मुझे तो नहीं समझ में आया या तो वो डिस्काउंटिंग रेट देना भूल गए और रेट देते तो शायद सेवेंटी आ जाता क्योंकि यहां पर जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता उसका हम पर परसेंटेज निकालते तो शायद सत्तर हजार आता मे भी शायद उनसे ये मिस्टेक हो गई है ये सोच सकते हैं ठीक है ठीके? क्या हम आगे बढ़े क्या हम आगे बढ़े सर कोई रेट अज्यूम किया है आईसीआई ने मैं क्या बोलू रेट अज्यूम करके पहले तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग <laughs> बैलेंस निकालना पड़ेगा तो कैसे रेट अज्यूम करें क्या रेट अज्यूम करें भाई बहुत तकलीफ है तो मेरे केस में मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू डाउटफुल है मेरे केस में वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आंसर शुड बी ट्वेंटी ठीक है आगे बढ़ सकते हैं क्या टाइम वेस्ट नहीं करते बेटा चलो वॉट इज द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर फॉर कैलकुलेटिंग बेसिक बेटा इंडिया थर्टी थ्री आ गया और ये प्रेफरेंस डिविडेंड की बात कर रहा है कितना ईपीएस निकालने के लिए करंट ईयर का ईपीएस निकालने के लिए प्रेफरेंस कितना माइनस करोगे ये तो तुम आराम से बता दोगे यार ऐसे ही समझ रहे थे ना वो इंडिया थ्री निकला वो इंडिया थ्री निकला पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो यू लिमिटेड हैजूड टेन लैक नाइन परसेंट बेटा

आंसर इज वन पॉइंट सेवन फाइव द आंसर इज वन पॉइंट सेवन फाइव इसका simple explanation ये है कि 15 इस नहीं होगा क्योंकि 15 में से छोड़ दे तो बाकी का जो बचा वो लास्ट ईयर के हैं और लास्ट ईयर के लास्ट ईयर के ईपीएस में जा चुके होंगे ठीक है सिंपल था ये वाला वॉट अमाउंट विल बी शोन एज एन इनफ्लो इन रिस्पेक्ट ऑफ अर्निंग्स फ्रॉम एसोसिएट इन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो भाई इंडिया सेवन आ गया <laughs> इंडिया सेवन आ गया कैश फ्लोस पूछ रहा है हा जबकि ऊपर हमने कहीं पे भी कंक्लूड नहीं किया था कि साला ये कैश फ्लो कहीं पे भी कंक्लूड नहीं किया चलो ठीक है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च देख रहे हो देख रहे हो विनोद ऊपर साला वो कुछ और पूछ रहा है इंडिया कुछ और ही दिमाग चला रहा है पर एमसी में वो इंडिया थर्टी पूछ रहा वो बोल रहा है कि जो इनफ्लो निकाल के दो रिस्पेक्ट ऑफ अर्निंग फ्रॉम एसोसिएट एसोसिएट से जो पैसा आ रहा है वो मैं अपने कैश फ्लो ऑफ यू लिमिटेड में क्या दिखाऊंगा कैश फ्लो में क्या दिखाऊंगा कैश फ्लो में एसोसिएट 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 ये वाला बेटा इंडिया पढ़ो मैं अगर इस छोटी डाउटफुल वाली पॉइंट को छोड़ दू ना गाइस ये एमसीक्यू को मैं फाइव स्टार जरूर दूंगा अच्छा क्वेश्चन है अच्छा केस सिनेरियो है फर्स्ट जनवरी यू लिमिटेड अक्वायड थर्टी परसेंट ऑफ द शेयर ऑफ टी इन्वेस्टमेंट वॉज अकाउंटेड फॉर एज एन एसोसिएट इन यू लिमिटेड कंसोलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है बोथ यू एंड टी हैव एन अकाउंटिंग ईयर यू लिमिटेड हैज नो अदर इन्वेस्टमेंट एन एोसिएट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर टीज इनकम स्टेटमेंट वॉज पॉइंट टू थ्री क्रोर्स नेट प्रोफिट अगर आपका एसोसिएट आपका आपको प्रॉफिट कमा के दे रहा है तो उसमें आप रिस्पेक्टिव परसेंटेज थर्टी परसेंट आपका शेयर होता है पर यह कैश फ्लो नहीं होता जब तक आपको एक्चुअल डिविडेंड ना मिल जाए तब तक वो कैश फ्लो नहीं होता है हां पॉइंट टू थ्री का थर्टी परसेंट हमारा इक्विटी मेथड के अंदर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हम बढ़ा देंगे एंट्री करते इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल पर यह कैश फ्लो नहीं है माइंडेड ये कैश फ्लो नहीं है इट डिक्लेयर्ड एंड पेड पॉइंट वन करोड़ ऑन मार्च डिविडेंड डिक्लेयर किया एसोसिएट जब डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो हमें उसका थर्टी परसेंट मिलेगा और ये कैश फ्लो है तो इसका थर्टी परसेंट विल बी कैश फ्लो और एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इक्विटी मेथड के अकॉर्डिंग हम जो डिविडेंड रिसीव करेंगे वो हम अपने इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से लेस कर देंगे पॉइंट वन का थर्टी परसेंट पॉइंट जीरो थ्री पॉइंट जीरो थ्री नो अदर डिफरेंस वर पेड इन द ईयर तो बताओ कैश फ्लो में क्या आएगा बेटा कैश फ्लो यहां पर बच्चे लोग इसको आंसर को गलत लगा सकते हैं वो पॉइंट टू थ्री का पहले प्लस करेंगे और पॉइंट वन का माइनस करेंगे पता नहीं क्या लगाएंगे वो गलती से इक्विटी मेथड लगा लेंगे वो आपसे कैश फ्लो पूछ रहा है नलायकों तो सिर्फ पॉइंट जीरो थ्री आएगा द आंसर इज पॉइंट जीरो थ्री द आंसर इज पॉइंट जीरो थ्री आंसर इज पॉइंट जीरो थ्री दे आर आस्किंग ऑफ गुडविल गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज अपॉन अराइजिंग लास्ट वाला पॉइंट फर्स्ट जनवरी थर्टीन यू लिमिटेड ऑल्सो एक्वायटी परसेंट स्टेक इन एस कैश कंसिडरेशन पेबल वॉज वन करोड़ टू बी पेड इमीडिएटली अच्छा चलो कंसिडरेशन निकालते हैं पीसी निकालते हैं वन करोड़ एंड वन पॉइंट टू वन करोड़ आफ्टर टू करोड़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज टेन परसेंट एनसीआई मेजर एट प्रपोर्शन शेयर ऑफ नेट आइडेंटीफाइल एनसीआई निकालो भाई नेट आइडेंटिफाइल का प्रपोर्शनेट शेयर सिक्सटी परसेंट तो एनसीआई फोर्टी परसेंट तो नेट असेट थ्री करोड़ का फोर्टी परसेंट करो वन पॉइंट टू करोड़ बस पीसी में एक और आएगा डेफर्ड कैश डेफर्ड कैश प्रेजेंट वैल्यू पर आएगा और कब देंगे दो साल बाद देंगे तो वन पॉइंट टू वन का प्रेजेंट वैल्यू निकालो टेन परसेंट पर वन पॉइंट टू वन डिवाइड बाय एक दो वन करोड़ वन करोड़ आ रहा है तो कुल में लागे हो गया टू करोड़ गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज की वर्किंग क्या होती है वर्किंग होती है कंसिडरेशन टू करोड़ प्लस एनसीआई प्लस एनसीआई टू माइनस हंड्रेड परसेंट नेट असेट्स थ्री तो कितना है थ्री पॉइंट टू माइनस थ्री तो पॉइंट टू पॉइंट टू क्या गुडविल पॉइंट टू आ गया गुडविल ट्वेंटी लाख का गुडविल बेटा भावेश आप जीबीपी क्यों बोल रहे हो गुडविल आएगा बेटा ठीक है गुडविल आएगा बेटा चलो चेक करते हैं, डी इसका तो छोड़ी दो बी सी 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 सही है डी और बी सही है इन्होंने ऑप्शन इसका ए दिया है बाकी डी बी सी सी हमारा सही है, हैप्पी होली प्रफुल्ल चलिए इसको मैं फाइव स्टार कैटेगरी लगाऊंगा इस केस uh, सिनेरियो को तीन केस सेनैरियो हमारे हो चुके हैं और मैं आपको एक चीज बता दू बता नहीं दू पूछूंगा आपसे मैं पूछूंगा आपसे मैं आपको क्या लगता है वाकई में अब आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर सेशन से आपको एडवांटेज हो रहा है कि नहीं केस सिनेरियोस अभी तक हम तीन कर चुके हैं हल्का फुल्का कुछ अपना व्यू पॉइंट बताइए मुझे वॉट यू फीलिंग वॉट यू आर फीलिंग राइट नाउ बिकॉज आई एम आस्किंग दिस बिकॉज मैंने जो अपनी खुद की केस जो की है, जो कंपाइल की ये ये मैंने कंपाइलेशन किया आईसीआई के केस स्टडी डाइजेस्ट से किया है जीएफआरएस का पेपर आया करता था तो उनको मैंने कव लिया है पर उसमें मैंने कई सारे फॉर्मेटिंग चेंजेस किए प्लस उसमें मैंने अपने एम सी एड ऑन किए हैं ठीक है ना और बहुत सारी इ चीजें थी बहुत सारे आईएफआरएस रिलेटेड चीजें थी जो आई के हिसाब से ऑप्शन उप्ष, थे हमने उनको इंडेस के हिसाब से कवर किया अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये तो यूजफुल है यार तो मैं कुछ सोचूंगा केस डिस्कस करने का। सीए इंटर के लिए भी लाओ सर जी नलायक आदमी सीए इंटर के लिए मैं पिछले संडे से भी पिछले संडे ला चुका हूं गधो देख लो पहले जाके ला चुका हूं बहुत ज्यादा साथ साथ में टॉपिक भी रिवाइज हो रहा है बिल्कुल यस ये आपने सही बात बोली सिंपली नाइस अच्छा लग रहा है सर ऐसा लग रहा है कि अगर प्रैक्टिस नहीं किया एक पॉइंट फाइव घंटा एग्जाम में एमसीक्यू में ही लग जाएगा वी नाउ आर नो हाउ टू हैंडल केस स्टडीज स्वाति यस बट आपको नहीं लगता स्वाति की अभी और ज्यादा केस स्टडीज को हमें हैंडल करना चाहिए पहले थोड़ा कंफ्यूजन कॉन्फिडेंस गेन हो रहा है थैंक यू वेरी मच सर वेरी हेल्पफुल अगर आपको सच में लग रहा है कि ये अब आपको मतलब इससे एक्चुअली एडवांटेज मिल रहा है गाइस प्लीज़ आपको मैं रिकमेंड कि आप इसको शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ और जो मेरी बाकी की बनाई हुई केस स्टडीज हैं आप ये भी प्लीज रेफर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा अब इसी बात पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेटा सब्सक्राइब कर दो बेटा <laughs> कर दो कर दो हमें आइडिया मिला है केस स्टडीज के बारे में पता भी चल रहा है कि इंडिया में खुद कॉन्फिडेंट नहीं हूं एंड ज्यादा फोकस करना है ऐसा मत बोल साहिल तू कॉन्फिडेंट है यार लास्ट के एक महीने में यार कोई नेगेटिव बात ना करे यार प्लीज अपने बारे में हमें सब आता है हमें और अच्छा काम करना है ऐसे बोलो पॉजिटिव नोटेशन शुरू बात करो ना नेगेटिव नोट पे बात मत करो यार चलो अगली केस स्टडी पे आते हैं अगला केस छोटा है तीन एमसीक्यूस हैं है छोटा है आप दो मिनट मुझे दीजिए मेरे को पानी प्यास लग रही है मेरा बॉटल खत्म हो गया है दो मिनट मुझे दीजिए और आप इसको पढ़ना कं, कंटिन्यू रखिए इस स्टडी को आपने पढ़ा क्या कुछ कुछ जी लिमिटेड इज अ मल्टीनेशनल कंपनी जी लिमिटेड हमारी कंपनी प्रिपेयर एंड प्रेजेंट्स इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉलोइंग इंड ए एस एज एट सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जी लिमिटेड हैज नंबर ऑफ बेसिक बिजनेस सेगमेंट्स वही बोल रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट एच लिमिटेड वन ऑफ द रिसेंटली अक्वाइड इंडियन सब्सिडीज ऑफ जी लिमिटेड इट द फर्स्ट टाइम एच लिमिटेड इज द वन ऑफ द रिसेंटली अक्वाड इंडियन सब्सिडी एच लिमिटेड सब्सिडी है उसकी भाई ध्यान रखना एच नाम है एच से होल्डिंग होता है पर वो सब्सिडी है It has adopted India for the first time as on 31st March 14, with the 1st April 2002 as the date of transition. As at 31st March 2012, the value of the raw material inventory were incorrectly reported due to error. बेटा मुझे लग रहा है कि कुछ uh, India 101 first time adoption error India 8 ये आ रहा है. कुछ ऐसा लग रहा है. एक तो 101 आ रहा है और एक 8 आ रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है. G Limited is also engaged in the 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 software software development. It enters into the contract with a customer to transfer the software license, perform an service, provide unspecified. ये क्वेश्चन इंटर इट दस्टमर टू इट लाइसेंस उन्होंने आपका इंडेस वन वन फाइव का दिया है वो क्या करता है सॉफ्टवेयर डेवलप करके देता है कस्टमर्स को उसमें वो क्या क्या करता है वो आपको लाइसेंस देता है इंस्टॉलेशन सर्विस देता है अनस्पेसिफाइड सॉफ्टवेयर अपडेट देता है और इसके अलावा आपको टेक्निकल सपोर्ट देता है ये चार चीजें आपको देना है दो साल के पीरियड के लिए जी लिमिटेड सेल्स द लाइसेंस अब वो बोल रहा है कि ये लाइसेंस को इंस्टॉलेशन को टेक्निकल सपोर्ट को सेपरेटली भी बेच सकता है इंस्टॉलेशन इंक्लूड चेंजिंग द स्क्रीन फॉर यूजर ठीक है फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट वगैरह इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन ज आर रूटीली परफॉर्म बाई अदर एंटीटीज डज नॉट सिग्निफिक इन मॉडिफाई सॉफ्टवेयर रिमेन्स फंक्शनल विदाउट द अपडेट्स एंड टेक्निकल सपोर्ट सॉफ्टवेयर बिना अपडेट्स और टेक्निकल सपोर्ट के भी फंक्शनल रहेगा मतलब वन वन फाइव पे बात कर रहा है बेटा समझ लो ये 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 हंड्रेड परसेंट आपका वन वन फाइव पे बात कर रहा है ठीक है चलिए जी लिमिटेड सेल्स ट्वेंटी परसेंट इन्वेस्टमेंट इन होली ओन सबसिडी के लिमिटेड टू आउटसाइड इन्वेस्टर्स फॉर हंड्रेड लैक्स इन द कैश द कैरिंग वैल्यू ऑफ द के लिमिटेड सेट थ्री हंड्रेड इंक्लूडिंग फ्रॉम द इनिशियल ठीक है अब क्वेश्चन पढ़े चल विद रिस्पेक्ट टू एच लिमिटेड एच लिमिटेड मतलब पहला वाला हमने वो को एक्वायर किया था उसने इंडिया किया थर्टीन uh, फोर्टीन में उसका ट्रांजिशन डेट था ट्वेल्व थर्टीन ट्वेल्व थर्टीन के अंदर ट्रांजिशन डेट था उसका फर्स्ट अप्रैल ट्वेल्व ठीक है और फर्स्ट अप्रैल ट्वेल्थ उसका ट्रांजीशन डेट था ठीक है वेदर द एरर शुड बी रिपोर्टेड इन द इंडिया स्टेटमेंट एंड हाउ टू इट तो ये क्वेश्चन तगड़ा पूछा है उसके पहले आपको ये 101 वन जीरो समझा देता हूं मैं आपको फर्स्ट अप्रैल टू ये हो गई उसकी 31 मार्च टी फर्स्ट मार्च फोर्टीन ये उसकी ये उसका फर्स्ट टाइम फर्स्ट इन ईयर है पर ट्रांजिशन डेट यहां पर आएगी इससे जस्ट पहले इकतीस मार्च को उसने इन्वेंट्री कितनी डाली थी इकतीस मार्च को वैल्यू ऑफ रॉ मेटल इन्वेंट्री वॉज इनकरेक्टली रिपोर्टेड या इन्वेंट्री रॉन्ग थी

और जो भी डिफरेंस आएगा आप जब इन डेज बैलेंस शीट बनाओगे यहां पर उसका जो भी डिफरेंस आएगा भले आप उसमें करेक्शन करो या फिर प्रीवियस गैप से न्यू इन डेज में आप नया प्रोविजन लगाओ रिकॉग्निशन करो डी रिकॉग्निशन करो रीमेजरमेंट करो प्रेजेंटेशन चेंज करो जो भी डिफरेंस आएगा वो आपको रिटेन अर्निंग में डालना पड़ता है और उसके बाद आपको उसका रिकनसिलेशन करना पड़ता है तो पहला पॉइंट गलत है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में करेक्शन नहीं होगा

from the changes in accounting policies and reported as a part of reconciliation. अब आपको तय करना है the option B और option D. A और C तो नहीं है. A और C तो नहीं है. अब आपको ये तय करना है कि option uh, option option B या option D. Option B बोल रहा है reflect, reflect हो जाएगा reconciliation में. D बोल रहा है Shall the of error. पहले तो हम उसमें करके दिखाएंगे बी it, गलत नहीं है पर मोस्ट अप्रोप्रिएट पे आना है अप्रोप्रिएट इज डी द्रोप्रिएट इज डी भाई तुम करेक्शन तो दिखाओगे ना पहले करेक्शन को तुम्हें रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा फिर तुम उसका रिकनसिलेशन बताओगे ठीक है क्योंकि हमें रिटेन अर्निंग में चेंजेस करना पड़ेगा और हमें रिटेन अर्निंग का रिकेलेशन बताना पड़ता है कि तुम्हारे प्रीवियस गैप का रिटेन अर्निंग का बैलेंस कितना था ट्रांजिशन डेट पर पर और ट्रांजिशन डेट अब रिटेन अर्निंग कितना है दोनों में रिकेंसिलेशन करना पड़ेगा द आंसर इज डी अगेन वुड से बहुत अच्छा प्यारा चीज पूछा है उन्होंने ठीक है चलिए नेक्स्ट हाउ मैनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जी लिमिटेड हैज विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर टू ट्रांसफर द सॉफ्टवेयर लाइसेंस मैंने आपको इसमें बताया था चार चीजें दे रहा है सॉफ्टवेयर लाइसेंस दे रहा है इंस्टॉलेशन सर्विस कर रहा रहा है है अनस्पेसिफाइड सॉफ्टवेयर दे और टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है, है। जिसमें से वो बोल रहा है जो आपका लाइसेंस है वो आपके सॉफ्टवेयर अपडेट्स और टेक्निकल सपोर्ट के बिना भी ऑपरेट हो सकता है इंस्टॉलेशन सर्विस भी वो सेपरेटली देता है और अपडेट्स दो ना दो कोई दिक्कत नहीं मतलब वो भी एक सेपरेट हो गया इसके अलावा टेक्निकल सपोर्ट वो वो अलग लोगों को देता रहता है बोल रहा है जी लिमिटेड सेल्स द लाइसेंस इंस्टॉलेशन एंड टेक्निकल सपोर्ट सेपरेटली बेटा कितनी परफॉर्मेंस है द परफॉर्मेंस आर फोर परफॉर्मेंस ऑप्लीकेशन मैं आपको इसको क्रॉस चेक करवा सकता हूं आपका इंडेस इंडिया का क्वेश्चन है बेटा इंडेस इंडिया का क्वेश्चन है आई मस्ट से ये क्वेश्चन आपका इंडेस इंडिया का है नंबर ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पर वो पूछ रहा है नंबर ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पर वो पूछ रहा है टू हंड्रेड सीरीज होगी मेरे क्वेश्चन बैंक की टू हंड्रेड सीरीज में मैं आपको बता देता हूं uh, 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 ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू जीरो सेवन यही है सॉफ्टवेयर डेवलपर अनस्पेसिफाइड सॉफ्टवेयर अपडेट्स इंस्टॉलेशन सर्विसेज सॉफ्टवेयर टेक्निकल सपोर्ट लाइसेंस बेटा चार परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है उन्होंने आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन छाप दिया है टू जीरो सेवन सेम एज क्वेश्चन टू जीरो सेवन ऑफ क्वेश्चन बैंक ठीक है आगे व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गेन ऑन सेल ऑफ इंटरेस्ट इन सब्सिडरी चलो पढ़ लेते हैं जी ल ट्वेंटी परसेंट इंटरेस्ट इन होली ऑन सब्सिडी वन जीरो थ्री कहता है 110 110, 110 पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा वन वन जीरो बोलता है कि अगर आप सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हो विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल होली ऑन सब्सिडी है मतलब हंड्रेड परसेंट होगा उसमें से आप ट्वेंटी परसेंट बेच रहे हो विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल तो आप प्रॉफिट लॉस को पीएडल बुक नहीं कर सकते यहां वो बेच रहा है इन्वेस्टमेंट को 100 में, तो एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट हंड्रेड लैक्स आपको एनसीआई बढ़ाना पड़ेगा ट्वेंटी थ्री हंड्रेड इंक्लूडिंग गुडविल हाँ इंक्लूडिंग गुडविल पर ही तो थ्री हंड्रेड तो का ट्वेंटी परसेंट कितना 60। तो रखना पड़ेगा सिक्सटी और बाकी का आपको में डालना पड़ेगा फोर्टी का ये एंट्री होगी पूछ क्या रहा है अमाउंट ऑफ गेन ऑन सेल ये थोड़ी पूछ रहा है कि गेन ऑन सेल कहां जाएगा अगर पूछता कहां जाएगा तो पीडल में जाएगा ओ में जाएगा अदर इक्विटी में जाएगा ठीक है ये जाएगा आपका गेन ऑन सेल कितना फोर्टी गेन ऑन सेल हो जाएगा फोर्टी द आंसर इज डी फोर्टी क्या क्या हो गया ये हो गया ये हो गया चलो इट्स डी ए डी डी ए डी डन ठीक है बेटा चलिए गाइस ये भी केस स्टडी डन लास्ट केस स्टडी लास्ट केस सिनेरियो अप्रोक्स ये केस सिनेरियो अगर हमने पंद्रह मिनट में कर लिया तो हमारा अप्रोक्स दो घंटे के अंदर अंदर सारे केस स्टडीज हो जाएंगे जो मैंने आपको बोला था ठीक है हालांकि मैं थोड़ा पहले ज्यादा बोला जल्दी बोला था कि मैं नाइनटी मिनट्स में ट्राई करूंगा बट बट ठीक है डी ए डी डैड चलो केस सिनेरियो थ्री आ जाओ बेटा लास्ट केस स्टडी है पांच ऑप्शन है लास्ट केस स्टडी है आइए हार नहीं माननी बेटा ए लिमिटेड इज अ डाइवर्सिफाइड बिजनेस ग्रुप मेरे को भी आवाज आ रही है बाहर से सब लोग होली खेल रहे हैं दो बार मेरे को फोन आ चुका है पर क्या बोलते हैं वो बुलाएगी पर जाने का नहीं सख्त लौंडा बनना है और इस बार सख्त लौंडा नहीं बोल रहा हूं सख्त स्टूडेंट बनना है सख्त बनो सख्त नलायकों a limited is a diversified business group operating in a multiple business segments according across different parts of the world it maintains its books of accounts and publishes annual consolidated financial statement under indian accounting standards india follows central finance team has been working on the cl closing the books of accounts and generating consolidated financial statements <laughs> Generating consolidated financial statement for the year ended 31st March 2013. You are the finance controller and your assistants want you want your views on the following transactions for the financial financial finalization of the financial statement. Shall we? B Limited, one of the subsidiaries of A Limited, reported net income of 25 lakh, which equals the company's comprehensive income. Company has no outstanding debt. फॉलोइंग इज द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कम्प्रहेंसिव बैलेंस शीट भाई क्या क्या बोल रहा है यार ये हमारी सब्सिडरी है बी लिमिटेड हमारी सब्सिडी है उसका नेट इनकम पच्चीस लाख है और कंपनी हैज नो आउटस्टैंडिंग डेट्स फॉलोइंग इज द इनफॉर्मेशन है इक्विटी uh, कैपिटल उसका ओपनिंग क्लोजिंग सेम था फर्दर इशू किया उसने ओपनिंग और क्लोजिंग फोर्टी हो गया रिटेन अर्निंग उसका ज्यादा बढ़ गया है, तो शेयर होल्डर इक्विटी हो गया पता नहीं क्या भाई कौन सा इंडेक्स लग रहा है हमें नहीं समझ में आ रहा बस वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट दे रहा है हमें नहीं समझ में आ रहा छोड़ो मतलब कौन सा इंडेक्स लगेगा छोड़ो ए लिमिटेड ऑल्सो ऑपरेट्स इन द दैवल इंडस्ट्री इनकर्स कॉस्ट अन थ्रू द फाइनेंशियल ईयर एडवर्टीजिंग कॉस्ट फोर्टी लैक इनकर्ड इन द फर्स्ट जुलाई स्टाफ बोनस आर पेड एट द ईयर एंड बेस्ड ऑन द सेल्स स्टाफ बोनस आर एक्सपेक्टेड टू बराउंड फोर हंड्रेड लैक्स फॉर द ईयर ऑफ दैट सम दट समी लैक्स रिलेट टू द पीरियड एंडिंग थर्टी एप्टेंबर थोड़ा थोड़ा मुझे ये अन इवनली वर्ड पढ़ के इंडेस थर्टी फोर की याद आ रही है इंडेस थर्टी फोर की इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बाप रे बाप अब समझ में आ रहा है कि भाई एक भी इंडिया नहीं छोड़ सकते एक भी इंडिया नहीं छोड़ सकते चलो आइटम ऑफ इक्विपमेंट एक्स वॉज एक्वायर्ड बाई ए लिमिटेड ए लिमिटेड कौन है भाई ए लिमिटेड अपनी कंपनी है है ठीक फर्स्ट अप्रैल इलेवन फॉर रुपीस एक लाख हैविंग एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ टेन वैल्यू ऑफ जीरो ठीक है तो वन लाख डिवाइड बाई टेन मतलब हर साल का डेप्रिश टेन थाउजेंड अट इज डेप्रिश ऑन स्टेट लैंड बेसिसन लैक फोर थाउजेंड ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च थर्टीन सिंपल इंडिया लग रहा है ठीक है इंडिया लग रहा है चलो ए स्पेंट फिफ्टीन लैक इन डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ईयर द डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर्ड वर विकोगनाइज एज एन इंटेंजिबल एसेट इंडिया थर्टी एट ठीक है फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम दीज एक्सपेंसिस वर अलाउेबल इन फुल ईयर इन द ईयर ऑफ इंकरिंग एक्सपेंस भाई साहब इंडिया ट्वेल्व लग रहा है थर्टी एट के इंडिया ट्वेल्व कर दिया छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दिया कंपनी हैज ए प्रेफ़रेंस प्रेफरेंशियस विच आर रीडीमेबल एट ऑप्शन ऑफ द होल्डर ऑप्शन ऑफ द होल्डर थ्री मंथ्स बिफोर एंड ऑफ द ईयर इट वॉज प्रेबल द होल्डर वर वुड रिक्वायर एडम्शन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चलो ऑप्शन पे आते हैं सर इतना तो समझ में आ गया कि जब केस एनआरू आएगा एग्जाम में तो हमें ना फास्ट फास्ट पढ़ना है और हमें बैठे नहीं रहना है हमें एनालिसिस नहीं करना है बस हल्का हल्का पढ़ पढ़ के पढ़ पढ़ के एमसीक्यू पढ़ना है और ये प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करें जितने ज्यादा सिनेरियोस पर करें उतना ज्यादा अच्छा फिर से याद लगाऊंगा इरिटेट नहीं कर रहा हूं पचास के एमसीक्यूस दिए हैं, कम से कम दस देख के जाना प्लीज रिक्वेस्ट है तुम लोगों से कम से कम दस देख के जाना चलो बढ़े आप आगे वॉट कैश फ्लो शुड बी लिमिटेड बी लिमिटेड हमारी सब्सिडरी थी वन ऑफ द सब्सिडरी रिपोर्ट एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी सला कैश फ्लो बहुत आया है यार इससे पहले भी दो केस के अंदर कैश फ्लो था एक कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन निकाला था हमने और एक कैश uh, फ्लो में अंदर वो एसोसिएट बोल के कैश फ्लो कर दिया था यहां पर भी भाई वही है इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में क्या रिपोर्ट किया जाएगा वॉट कैश फ्लो शुड बी लिमिटेड रिपोर्ट अरे तुम लोग कमेंट में नहीं कर रहे हो तुम लोग होली खेलने चलेगा क्या ली खेलने चले गए क्या? क्या कमेंट तो नहीं कर रहे हो फाइनेंसिंग एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो क्या आएगा वापस से पड़ना पड़ेगा यह डी लिमिटेड का पूरा स्टेटमेंट दिए हुए उसकी नेट इनकम आई है पच्चीस बेटा नेट इनकम मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी छोड़ दो कैश्लो में तो भैया नो आउटस्टैंडिंग डेट अच्छा इक्विटी कैपिटल आपका ओपनिंग में हंड्रेड क्लोजिंग में हंड्रेड नो कैश फ्लो फर्दर इशू हंड्रेड वन फोर्टी ओ फोर्टी का कैश फाइनेंसिंग एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी रिटेन अर्निंग नो 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 ऑपरेशन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी बेटा ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है छोड़ दो उसको श्योलडर इक्विटी बस छोड़ो बस 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 फोर्टी का कैश फ्लो फोर्टी का कैश लो फोर्टी का कैश लो फोर्टी का कैश लो फोर्टी का कैश फ्लो फोर्टी का कैश

125 से 115 इसलिए हो गया क्योंकि डिविडेंड पे किया होगा 10 का गजब तो फाइनेंसिंग में क्या आएगा 40 का कैश इनफ्लो एंड 10 का कैश आउटफ्लो अह 240 नहीं 100 नहीं 140 नहीं 40 मिलियन एंड डिविडेंड पेड तो ऑप्शन इज डी भाई गजब यार छुपा छुपा के ये बढ़िया था ये बढ़िया था ये बढ़िया था पर ऑप्शन देख के बहुत बड़ी हिंट मिल गई अगर इंस्टीट्यूट चाहता तो इसमें सिर्फ बोल सकता था इशुएंस ऑफ इक्विटी चालीस मैं तो बोलता हूं ये टू फोर्टी वन फोर्टी के बजाय उसको लिखना चाहिए था इशुएंस ऑफ इक्विटी चालीस दैट्स इट बहुत सारे बच्चे वो वाला ऑप्शन टिक करके आते ठीक है स प्रियंक इंडिया सेवन एमसीक्यू पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट है चलो सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट टू पॉइंट टू पॉइंट टू ये वाला वॉट कॉस्ट शुड बी इंक्लूडेड इन द एंटिटीज फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर द क्वार्टर मैंने कहा था इंडिया थर्टी फोर क्वार्टर एंडेड बोल दिया मतलब इंडिया थर्टी फोर उसके फाइनेंशियल रिपोर्ट में कौन कौन से खर्चे आएंगे जब वो तीन महीने का पेंडल बनाएगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाएगा इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो कौन कौन से खर्चे आएंगे ढंग uh, से पढ़ेंगे अपन ट्रेवल इंडस्ट्री इनकर्स कॉस्ट अनइवनली थ्रू द फाइनेंशियल ईयर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट चालीस लाख इनकर्ड इन द फर्स्ट जुलाई स्टाफ बोनस पेड एट द ईयर एंड बेस्ड ऑन द सेल स्टाफ बोनस आर एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड फोर हंड्रेड एंड सम ऑफ सिक्सटी lakh वुड बी रिलेटेड टू द पीरियड एंडिंग थर्टी September। दो खर्चे एक एडवर्टाइजिंग एक बोनस एडवर्टाइजिंग को एडवर्टाइजिंग फोर्टी लाख का इनकर हुआ है फर्स्ट जुलाई हम उसको uh, क्या बोलते हैं हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते हम उसको uh, आगे नहीं बढ़ा सकते हम उसको पीछे नहीं कर सकते फोर्टी लाख का तो एडवर्टाइजमेंट आ गया आएगा। टोटल बोनस होने वाला है चार सौ जिसमें सेकेंड क्वार्टर का बोनस रिलेट करता है सिक्सटी वो रिलेट टू दीरियड सिक्सटी हाँ इसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इसको हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से आंसर वुड बी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट फोर्टी एंड बोनस सिक्सटी पूरा बोनस जीरो नहीं भले वो ईयर एंड में जाएगा पर उसका एंटिसिपेट कर सकते हैं वर्ड है एंटीसिपेट इंडिया थर्टी फोर बोलता है कि जो जो प्रोविजंस आप एंटिसिपेट कर सकते हो खर्चों का खर्चों का उसको आप कंसीडर कर सकते हो एंटिसिपेट कर सकते हैं तो बेसिकली सिक्सटी आएगा फोर्टी और सिक्सटी फोर्टी और हंड्रेड ना टेन और हंड्रेड ना टेन और सिक्सटी ना फोर्टी और सिक्सटी डी आएगा मेरे हिसाब से डी आएगा द आंसर इज डी द आंसर इज डी बाद में चेक करेंगे अगर मेरा गलत हुआ तो देख लेंगे नेक्स्ट वॉट विल बी द एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द इक्विपमेंट एक्स फॉर द ईयर थ्री टू टेन एंड द अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन सरप्लस दैट कैन बी ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग एनुअली

रिवोल्यूशन uh, सरप्लस से निकाल के जनरल डाल सकते हो तो वो पूछ रहा है मतलब डालना पड़ेगा बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया देखो वन लाख रुपीज का असेट है वन लाख रुपीज का असेट है बेटा टेन इयर्स की लाइफ है और ठीक है uh, कब कर रहा है असेट वाज रिवॉल्यूट वन लाख फोर थाउजेंड ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च थर्टीन पहले तो उसने खरीदा कब था

ये हो गया तेरह हजार और इसके अलावा पहले डेपरेशन कितना तो लगता था टेन थाउजेंड तो तीन तीन हजार एक्स्ट्रा आपको एनुअली डालना पड़ेगा तो वैसे तुम चौबीस हजार को भी करोगे डिवाइड बाईट तो तीन हजारेशन चार्ज विल भी टेन नहीं गलत एनुअल डेपिशन टेन गलत एनुअल डेपेशन चार्ज भी थर्टीन एनुअल ट्रांसफर ऑफ थ्री मे बी मेड फ्रॉम रिवलेक्शन सब प्लस टू रिटर्न रनिंग करेक्ट

फिफ्टीन लैक का खर्चा किया है डेवलपिंग द न्यू प्रोडक्ट ड्यूरिंग थर्टी फर्स्ट मार्च थर्टीन डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर्ड वेजेस इनकर्ड वर रिक्नाइज एज इंटेंजिबल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमने उसको असट बना लिया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में असट बना लिया फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम दीज एक्सपेंस आर अलाइबल फुल इन द ईयर ऑफ एक्सपेंस इंकर बेस जीरो क्योंकि पूरा डिडक्शन मिल चुका है टैक्स बेस जीरो पूरा डिडक्शन मिल चुका है ठीक है एट द ईयर एंड द कंपनी रिकॉग्नाइज इंपेयरमेंट लॉस ऑफ सेवेंटी है टैक्स बेस बड़ा जीरो है और ये उन्होंने आपने इंपेयरमेंट किया है. क्या पूछ रहा है क्या पूछ रहा है टैक्स बेस टैक्स बेस पूछ रहा है टैक्स बेस पूछ रहा है जीरो गाइस बहुत इजी बहुत इजी है क्लियर हुआ लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्योंकि इसके बाद दो जनरल एमसीक्यूज भी हैं कंपनी हैज हैजूड प्रेफरेंस शेयर्स दैट आर रिडीमेबल एट द ऑप्शन बेटा एट द ऑप्शन है कंपलसरी कन्वर्टेबल नहीं है

क्या पूरा डिविडेंड दिखाएगा क्या पूरा इंटरेस्ट दिखाएगा क्या डिविडेंड तीन इंटरेस्ट नौ क्या डिविडेंड नौ इंटरेस्ट तीन तो पहले तो मैं तुम लोगों को उलझाने का काम करूंगा फर्स्ट अप्रैल थर्टी फर्स्ट मार्च थ्री मंथ्स नाइन मंथ्स यहां पर लग रहा है कि एक्सपेक्टेड uh, रिडम्शन होगा कि नहीं होगा पता नहीं एक्सपेक्टेड रिडमशन तो वो क्या कर रहा है बारह को यहां नौ यहां नौ हजार और यहां तीन हजार में डिवाइड कर रहा है कि मतलब जब तक रिडम्शन एक्सपेक्टेड नहीं था तब तक नौ महीने भाई वो लाइबिलिटी है अब तो रिडमशन हो जाएगा तो इक्विटी बन जाएगा इक्विटी बन जाएगा तो डिविडेंड है तो नौ महीने इंटरेस्ट तीन महीने डिविडेंड उलझाने का काम नौ महीने इंटरेस्ट मतलब उलझाने का काम ये वाला ये वाला नौ महीने इंटरेस्ट तीन महीने डिविडेंड एक तो उलझाने का काम जहां फिफ्टी परसेंट बच्चे हो सकता है भी जाए बट आंसर नहीं है भाई, है भाई एक्सपेक्टेड जब तक एक्चुअल रिडम्शन नहीं हो जाता तब तक पूरे साल भर का इंटरेस्ट कॉस्ट ही निकलता है पूरे साल भर का इंटरेस्ट कॉस्ट निकलता है हम पूरा ट्वेल्व थाउजेंड इंटरेस्ट मानेंगे द आंसर इज बी द आंसर इज बी जब तक एक्चुअल रिडम्शन नहीं हो जाता तब तक का जो भी पेमेंट तुम उनको करोगे एज एन एक्सपेंडिचर वो तुम एक्सपेंस दिखाओगे तुम डिविडेंड नहीं दिखा सकते हो द आंसर इज बी पर बहुत सारे बच्चे प्राइमा फेसि उलझ सकते हैं कि यार हाँ यार शुरू के नौ महीने हम इसको बोल सकते हैं लाइब्रिटी कॉम्पोनेंट है लास्ट के तीन महीने ये इक्विटी बन गया अरे कहा बन गया एक्सपेक्टेड है नहीं बना ठीक है तो ये नहीं होगा समझ गए कि नहीं स्टिल इंटरेस्ट ये इंटरेस्ट स्टिल इंटरेस्ट टिल एक्चुअल रिडम्शन चलो देखिए डी बी सी डी बी सी डी बी डीबीसी डी बी डी डी कर दिया एक सेकेंड अच्छा सॉरी डी डी सी डी बी डी डी सी डी बी सही है सही है सही है हमारा डी था मैंने कुछ सह... हाँ सही है सारे क्वेश्चन सही है सारे ऑप्शन हमारे सही है कहां गए नालायकों अब बस ये भी केस स्टडी हो गई दो जनरल एमसीक्यू सी बचे करोगे क्या या नहीं करना चाह रहे हो दो ही एमसीक्यू बचे पहला और दूसरा करोगे क्या या खुद ही कर लोगे आप देखना बच्चे कैसे जाते हैं आप देखना बच्चे कैसे आप बोले हाँ हाँ कर लेंगे सर कर लेंगे आप छोड़ो हमें तो होली बनानी है सर मानी हमारी होली तब मनाई जाएगी जब हमारा रिजल्ट आएगा तब लगाएंगे गुलाल खतरनाक तरीके से तब हम लगाएंगे बढ़िया पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तब लगाएंगे गुलाल चलो फर्स्ट अप्रैल इलेवन लिमिटेड सब्सक्राइब फॉर फोर्टी मिलियन

until October 2012, C Limited was a successfully was successful company. C Limited कहाँ से दे दिया? J Limited की बात चल रही थी with a good reputation. अच्छा C Limited के नोट्स खरीदे हैं, ठीक है? थीके. For settling its liabilities on their due date. However, due to an event which occurred on 31st October, three of C Limited's major customer became insolvent, and this caused liquidity problem for C. हमने जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया ना अब वो कंपनी लिक्विडेट हो सकती है ड्यूरिंग नवंबर

वो इनिशियल पे पूछ लिया जितनी भी उसने मॉडिफिकेशन से रिलेटेड बात की है उसकी कोई वैल्यू नहीं है बिकॉज एज ऑन अप्रैल इनिशियल रिकॉग्निशन पे जे लिमिटेड ये बोलेगा कि भाई सी का तो अच्छा बिजनेस चल रहा है तो मैं थोड़ी कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस को अलग तरीके से एक्सपेक्ट करूंगा मेरे कैश फ्लोस तो प्रॉपरली आएंगे आई आए बात समझ में कि नहीं तो मुझे बताओ इनिशियल रिकॉग्निशन कितने पे होगा फोर्टी मिलियन वन रुपीज वन लैक नोट तो फोर्टी मिलियन मल्टीप्लाई बाय लैख मतलब किया है 90 पैसा पे इशू किया है तो आपको एक्चुअल इनफ्लो कितना आया फोर्टी मल्टीप्लाई बाय नाइनटी परसेंटेज मतलब थर्टी सिक्स ठीक है ना और रिडीमेबल होंगे आपके वन ट्वेंटी वो ठीक है और एनुअल इफेक्टिव रेट आप निकाल चुके हो बेटा जब भी फाइनेंशियल एसेट बुक करते हैं ना तो इनफ्लो में से ट्रांजेक्शन कॉस्ट माइनस करके मतलब आपका नेट इनफ्लो कितना हो रहा है थर्टी सिक्स का हो रहा है आप थर्टी सिक्स बुक करोगे योर आंसर इज थर्टी सिक्स सर अभी तक कितने केस स्टडीज हुए हैं बेटा पूरे हो गए पूरे हो गए खतम पूरे हो गए बेटा खतम थर्टी सिक्स क्या आपका आपका जवाब भी थर्टी सिक्स है मुझे थर्टी सिक्स लग रहा है

इतना बड़ा खोदा पहाड़ निकला चूह ए बी सी लिमिटेड मैनुफैक्चरिंग एंडिटी वॉन्स टू फोरकास्ट इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द वेरियसियोज टू कंप्लाई विदियस गाइडलाइन इट टूक एड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच कैन असेस द कंपनी इन जनरेटिंग एक्यूरेट फाइनेंशियल फोरकास्ट बाई एनालाइजिंग हिस्टोरिकल डेटा मार्केट ट्रेंड्स एंड द रेलिवेंट एक्शनल फैक्टर्स बाय लेवर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स द कंपनी कैन स्यू सीमुलेट डिफरेंट सीनेरियोज सच एज चेंजेस इन मार्केट डिमांड इनपुट कॉस्ट और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट यार ये क्वेश्चन उन्होंने अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी पर दे दिया है भाई क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज नहीं है तो मैं आउट हूं वॉट एवर जो भी शार्क टाइम में वो बोलती है आई एम आउट बिकॉज आई एम नॉट एक्सपर्टीज इन दिस आई एम आउट आई एम नॉट एक्सपर्टीज आई डोंट हैव एनी एक्सपर्टीज हाउ ए आई हेल्प द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी बोलो मुझे तुम बोलो भाई मेरी एक्सपर्टीज नहीं है मैंने पवन सर का टेक्नोलॉजी के ऊपर दो वीडियोस, दो लेक्चर थे दो दो घंटे के मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी उन्होंने दो, दो लेक्चर के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और उन्होंने बहुत सारे क्विज लिए हैं किन किन बच्चों ने किन किन बच्चों ने वो वाला लेक्चर देखा है अगर नहीं देख रहा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा हालांकि प्लेलिस्ट में भी मैंने डाल दिया है और आपको आराम से मिल जाएगा अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी जय पवन गहूकर या जय चावला डाल देना मिल जाएगा इसमें भैया आंसर होगा, मैं रट के आया था डी होगा ठीक <laughs> है वन का डी टू का डी दोनों का डी डी है सर सर डाला डाल देख लिया ठीक है डी सो सो आई आई एम एम नॉट एक्सपर्टीज इन दिस आउट ठीक है चलो ये हो गया तुम्हारा जनरल एमसी क्यूज गाइस थैंक यू सो मच बने रहने के लिए और मैं जानता हूं कि अब तुम लोगों से सहा नहीं जा रहा है बस सर हो गया बहुत हो गया सर मैं एक चीज का रिकमेंडेशन दूंगा अच्छा मोरल ऑफ द स्टोरी तुम मुझे अपना थॉट प्रोसेस बता सकते हो तुमने ये पांच केसेस करके तुम्हें क्या समझा पांच केसेस करके तुम्हें क्या समझा वन जीरो टू यार रिकॉर्ड नहीं कर पाया सॉरी यारो टू अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया तुम बोलो तो मैं कल लाइव ले लू रिकॉर्ड नहीं कर पाया सॉरी यार वो थोड़ा सा घर पे पर्सनल इमरजेंसी आ गई नहीं रिकॉर्ड किया तुम लोग के, तुम कि तुम अब, अब के बाद तुमने क्या कंक्लूड किया पहला कंक्लूजन जो मैं मतलब चलो ठीक है तुमसे पूछता हूँ फिर मैं अपना तुम्हें बताऊंगा क्या, क्या क्या किया कर ले लूंगा मैं 102 जीरो में कर ले लूंगा सॉरी नहीं ले पाया Sorry यार एमसीक्यू हैंडल करने की टेक्निक मिल गई ठीक है टेक्निक प्रैक्टिस प्रैक्टिस ठीक है क्या क्या पाया क्या लग रहा है कि हमें अब क्या करना चाहिए हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए एफआर को लेकर एमसीक्यू को लेकर जिसमें डिस्क्रिप्टिव भी हम कर ले मतलब ओवरऑल फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए बिकॉज एम में तीन केस सिनरियोज आए हैं और दो जनरल एमसीक्यूज भी एमटीक्यूज में आए मतलब तीन के कंस्टेंट देखना चाहिए टाइम मैनेजमेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो खत्म फिनिश ठीक है ऑल इंडिया इंपॉर्टेंट है यस ये मैं वेट कर रहा था ऑल इंडिया ठीक है क्या हम एमसीक्यू के क्वेश्चन पहले रीड कर ले क्या बाद में देखें उसमें कौन से रिस्पेक्टिव इंडिया आ रहे हैं यस वेरी गुड तो पहला जो कंक्लूजन तुमने दिया मुझे इस्माइल शेख ने दिया ऑल इंडिया किसी को भी हल्के में मत लेना दूसरा एमसीक्यू पढ़ते 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 जल्दी जल्दी पढ़ो एक ही पैराग्राफ में बैठे नहीं रहना है इसका क्या उसका क्या जल्दी जल्दी पढ़ते जाओ और फिर जल्दी एमसीक्यू पे आके देख लो कि कौन कौन से क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है तीसरा जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी टेक्निक और डेवलप होगी बेटर होगी अप्रोच करने की तो अप्रोच करना है जल्दी से जल्दी टाइम में तो हमें ज्यादा से ज्यादा केस स्टडीज देखनी है इसीलिए मैंने आज आपको बोला कि मैंने जितनी भी केस स्टडीज कंपाइल की हैं, आप चाहो तो ये कर सकते हो हर केस स्टडी के ऊपर मैंने ये भी लिख लिया है कि ये केस स्टडी किस किस इंडे के रेफरेंस में है मेहनत की है मैं आपको एक चीज बोलूंगा क्या मैंने केस स्टडीज को कॉपी किया है हाँ, मैंने मैंने आईसीआई के केस 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 स्टडी स्टडी डाइजेस्ट डाइजेस्ट को लिया है उनके में ZFRS में जीएफआरएस पर एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं किया है पॉइंट नंबर वन मैंने फॉर्मेटिंग की है प्रॉपर पॉइंट नंबर टू मैंने हर एक केस स्टडीज को पढ़कर अपने टीम के साथ उसमें यह फाइंड आउट किया कि कौन कौन सी केस स्टडी में कौन कौन से इंडियस आ रहे हैं पॉइंट नंबर थ्री जहां जहां दो तीन दो तीन एमसीक्यूज मुझे एक्स्ट्रा लग रहे थे वहां मैंने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा केस एमसीक्यूज ऑन किए हैं पॉइंट नंबर जी क्योंकि वो जीएफआरएस था तो बहुत सारे पॉइंट्स इनरेलीवेंट थे उनको कट किया है बहुत सारे ट्रीटमेंट हमें इंडिया में नहीं होते उनको कट किया है तो ये चार पांच पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने एमसीक्यूज में चेंजेस किए हैं आई बिलीव आप इसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा फर्स्ट रीड एमसीक्यू देन देन स्टडी यस चलिए गाइस थैंक यू सो मच इंडियस वन जीरो अरे इंडियस टू नहीं ले पाया माफ करना बच्चों वन जीरो टू नहीं ले पाया कुछ पर्सनल इमरजेंसी थी और बोलो तो मैं कल ले लू मुझे बता देना मिशन संभव का जो बैच है हमारा बोलो तो मैं कल ले लूंगा वन जीरो टू वन जीरो टू लेना है क्या ले लू कल लाइव ले लू या फिर स्किप कर लू लाइव ले लूँ या स्किप कर लूँ जल्दी बोलो और हम मुझे तो फिर तुम मुझे ग्रुप में बता देना फिर देख लेंगे ठीक है ये वाली शीट डाल देता हूँ चलो ये वाली शीट में, मैं उसी, उसी में डाल देता हूं उसी में एमसीक्यू के ठीक से, से, है ये उसी में डाल देता हूं जो मेरा ऑल इन वन लिंक है ना उसी में डाल देता हूं बेटा लाइव ले लो सर ये सर कल लाइव ले लो कर दो सर कल लाइव अच्छा तुम लोगों से मुझे बात करनी थी कि तुम लोग अपना एफ कब से प्लान कर रहे हो मैंने शेड्यूल भी दिया है वैसे तो कब से प्लान कर रहे हो? अभी तुम लोग एफार, एफार चलते जा रहे हो कि कुछ और कर रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा प्लान कर रहे हो तुम लोग उठाने के लिए प्लान कर रहे हो मैंने इसमें डाल दिया बेटा लो ठीक है ठीक है अच्छा एक और चीज बेटा रिवीजन स्ट्रेटजी मैंने दे दी है रिविजन स्ट्रेटी का मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आपको कैसे रिविजन करना चाहिए वो जरूर देख लेना और ये शीट भी मैंने शेयर कर दी है रिविजन स्ट्रैटेजी मैंने डाल दी है लगभग लगभग 83 एट्टी थ्री आवर्स मतलब अगर 10 घंटे भी पकड़ चले पकड़ के चले दिन भर के एफ को देने हैं तो आठ साढ़े आठ दिन में आराम से कंप्लीट कर लोगे आठ साढ़े आठ दिन में पूरा पूरा कंप्लीट कर लोगे लोग इस सीक्वेंस इस, 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 uh, की अच्छी बात यह है कि मैंने छोटे छोटे मिसलिनियस कैटेगरी के टॉपिक जो कि अभी हमने देखा कि एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट है मैंने उनको बीच-बीच में रखा है और मैंने हाई प्रायोरिटी टॉपिक को शुरू-शुरू में कवर कर दिया है एसेट बेस्ड कैटेगरी को लास्ट में रखा है क्योंकि एसेट बेस्ड कैटेगरी तुम वैसे ही प्रो हो बाद में भी कर सकते हो तो वो देख लेना सर टी-शर्ट कहां से खरीदा आपने Instagram शुरू कर दिया है एफआर ओके 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 चलो गाइस मुझे लगता है अब बच्चे नहीं टिकने वाले अब बच्चे नहीं टिकने वाले चलो ईस थैंक यू सो मच इंटरमीडिएट के एमसीक्यू कराया है क्या हाँ इंटरमीडिएट के केस स्टडी एमसीक्यू ऑलरेडी डाल दिया था मैंने करा लिए करा लिए गाइस थैंक यू सो मच इसका शेड्यूल ये मैंने पूरा डाल दिया है ग्रुप पे इसका मैंने वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा थैंक यू सो मच गाइस टोटल सेवन केस स्टडीज हमें मिल गई है फिफ्टी सेवन में से मैं तो बोल रहा हूँ यार दस कर लो यार बारह कर लो पंद्रह कर लो मैक्सिम ठीक है चलो गाइस थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच गाइस बाय बाय टेक केयर और अगर अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लो ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा जहां जहां जिस जिस ग्रुप में तुम इन्वॉल्व हो अगर पाँच मिनट निकाल के उस ग्रुप में जाके इसको डाल दो तो मेरा भला हो जाएगा यार मेरे को ना मतलब मैं तुम्हें दुआ ही दूंगा ठीक है तो ये प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भले एग्जाम के बाद अनसब्सक्राइब करना चाहो तो कर लेना अभी चैनल को सब्सक्राइब करके चलो फालतू कोई भी कंटेंट नहीं आएगा कंटेंट तुम्हारे काम का आएगा ठीक है और लेक्चर को लाइक जरूर करना और बस दुआओं में याद रखना बाकी बाकी तुम्हारा बड़ा भाई बैठा हुआ है एग्जाम तक डोंट वरी ठीक है डोंट लूज हो और मैं बैठा हूं सब चीजें करवा लूंगा बाय बाय गाइस टेक केयर जय माता दी अल्लाह हाफिज मिशन संभव बैच के मैक्सिमम रिविजन वीडियो करवा लिए हैं और आगे बस कुछ बचे हुए आ जाएंगे थैंक यू सो मच गाइस बाय बाय टेक केयर जय माता दी अल्लाह हाफिज